आरती भक्त मालिकी की जय, आरती भक्त मालिकी की जय। संत चरित कहीं हरि सुख दीजे, संत चरित कहीं हरि सुख दीजे। संतन को यह अति से प्यारो, संतन को अति से प्यारो। ग्रंथ सवनी सुख देवे बारो, ग्रंथ सवनी सुख देवे बारो। या पर सवही निछावर कीजे, या पर सवही निछावर कीजे। आरती भक्त भक्त मालिकी की। शांति दास वात्सल्य सिंगारा, शांति दास वात्सल्य सिंगारा। सख्य भाव अति से हरि प्यारा, सख्य भाव अति से हरि प्यारा। श्रोता श्री हरि अपने, या के श्रोता श्री हरि अपने। भक्तन को भूलत नहीं सपने, भक्तन को भूलत नहीं सपने। निज जन नाम लगत हरि जपने, निज जन नाम लगत हरि जपने। आरती भक्त मालिकी की जय, आरती भक्त मालिकी की जय। श्री सखेंद्र यह आरती गावे, श्री सखेंद्र यह आरती गावे। भक्त माल सो हरि हरि जावे, भक्त माल सो हरि हरि जावे। जो गावे ते ही प्रभु अपनावे, जो गावे ते ही प्रभु अपनावे। श्री राघव संग मैत्री की जय, श्री राघव संग मैत्री की जय। आरती भक्त मालिकी की जय, आरती भक्त मालिकी की जय। संत चरित कहीं हरि सुख दीजे, संत चरित कहीं हरि सुख दीजे। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्य ग्रहणम् पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम्। यत्नेन यत्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना, देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री कृष्णचंद्राय नमः हरिलाल की जय स्वामी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय श्री राधे जिनकी कथा आप कई बार श्रवण कर चुके हैं, कभी मोक्ष नगरी में, कभी द्वारकाधीश में, ये आप सबका परम सौभाग्य है कि जगत गुरु के श्री मुख से, उनके मानस मुख से आप सभी कथा का रसपान कर रहे हैं। आदरणीय पुष्पराज गिरी जी का ये सौभाग्य है और हम सबको उन्होंने ये सौभाग्यशाली बनाया है इस तरीके से एक तीर्थ में कथा करवा कर। हम सब और आप सब, हम सब किसी पुण्य जन्म का फल है जो हम सब इस तीर्थ में आकर के कथा का रस पान कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी एक ऐसा तीर्थ है जहाँ भक्तमाल की कथा करने से, खाली सुनने से ही आदमी के कई जन्म तक इतने पुण्य प्रताप मिलते हैं, क्योंकि हम वैसे भक्त हो नहीं सकते, हमारे अंदर वो भावना नहीं है। हम प्रभु को जपते जरूर हैं, लेकिन उनको अपने अंदर उतारते नहीं है। हम सबका ये सौभाग्य है यहाँ इतने बड़े ऐसे भक्तमाल हुए चैतन्य महाप्रभु, हम सब उनको चरणों में प्रणाम करते हैं। और ऐसे कई भक्त की, ऐसे कई श्रीमुख से आप आचार्य श्री के श्रीमुख से कई भक्तों की ऐसी कथा सुनेंगे जो हम सबको मालूम भी नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से भक्तों ने अपना सब कुछ समर्पण करके और कृष्ण को पाया या राम को पाया। मंच की हमेशा मर्यादा होती है, आज कुछ लोगों को अभी बुलाया जाएगा, कुछ लोगों को आरती के समय, उसमें से प्राणनाथ मिश्र जी हैं, अनिल सिंह जी हैं, सलिल बासोलिया जी हैं जो कलकत्ता से आए हैं, नरेश प्रताप सिंह जी हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं, सुमित शर्मा जी हैं, आप सब आए और आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर प्रणाम करें और अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामना की, मंगल कामना का आशीर्वाद लें कि हम सब कैसे अपने घर पे जाकर के अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यापार को, सब कुछ कैसे मंगल कर सकेंगे। आप सब आए और आशीर्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए इस क्रम को यहाँ पर विश्राम देते हैं। पूज्य सतगुरु भगवान के श्री चरणों में आग्रह करेंगे हम सबको भक्तों की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। नारायण नारायण जय सिया राम जय सिया राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री स्वामी नाभादास जी महाराज की जय। संत श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओ तच्छंजोरा व्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्युद्दिपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद भद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः सच्चिदा हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यान्निमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्तगुरु चतुरनाम बपुएक इनके पदवंदन किए। भिन्न
पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्यासहायाः। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज की जय। संत श्री प्रियादास जी महाराज की, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि के परम प्रिय प्राणस्वरूप आत्मस्वरूप जो भक्त जन हैं, उन भक्तों का पावन चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें, पश्चात भक्तों की मंगलमयी चर्चा, भक्तों का पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता।
सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री जगन्नाथ
श्री जगदीश भगवान की पावन सन्निधि में महोदधि के तट पर विराजमान होकर हम सभी लोग भगवान के परम प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को सुनने के लिए समुत्सुक हैं। इस आयोजन के मुख्य यजमान श्री पुष्पराज गिरी जी सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मंच पर विराजमान संत चरण आचार्य चरण, अन्यान्य समस्त श्रद्धालु भक्तगण, भगवान श्री जगन्नाथ की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पावन पुरी में श्री भक्तमाल जी की पावन कथा मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण करने का उपक्रम करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है, श्री पुष्पराज गिरी जी का संकल्प चारों धाम में भगवान की कथा सुनने का, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का, आपका संकल्प यही था। और द्वारिकापुरी में बद्रीनाथ धाम में आपने भागवत कथा सुनी और उसी क्रम में भागवत कथा का ही विचार था, परंतु भगवान की इच्छा थी कि श्री भक्तमाल जी की कथा, क्योंकि हर बार कथा हम लोग सुन रहे थे, पुष्पराज गिरी जी सुन रहे थे, इस बार पुष्पराज गिरी जी कथा नहीं सुन रहे, भगवान कथा सुन रहे हैं। जगदीश भगवान को कथा सुनना था। भगवान की कथा के श्रोता तो भक्त होते हैं और भक्तों की कथा के श्रोता भगवान होते हैं। इसीलिए भक्तमाल में जब भक्तमाल की कथा प्रारंभ होती है तो यही भावना की जाती है, प्रधान श्रोता के रूप में भगवान आकर के विराजमान हो। श्री हरिजू आय विराजी, भगवान का आवाहन किया जाता है, आप आओ और विराजो। कथा रसिक हरिदास, भगवान के भक्तों की कथा के रसिक हैं भगवान, हम ही आप रसिक श्रोता नहीं हैं। भागवत जी में कहते ना, पिबत भागवतम रसमालयम, रसिकाः भुवि भावुकाः। तो भगवान की कथा को रसिक होकर भावुक होकर हम आप श्रवण करते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्तों का जो चरित्र है उसे भगवान श्रवण करते हैं। कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता श्री भक्तमाल के, तब पद रज हम दास। इस भक्तमाल के श्रोता स्वयं भगवान है और भगवान को भक्तों की कथा अत्यंत प्रिय है। भगवान प्रधान श्रोता और उनके पीछे बैठकर अन्य श्रोता भक्तमाल की कथा को श्रवण करते हैं, ये भावना है, ये सिद्धांत है। और भक्तों की कथा भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसका प्रमाण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भरत जी का वो पावन प्रसंग, जब श्री गोदावरी के तट पर भगवान श्री रघुनंदन और श्री जानकी और श्री लक्ष्मण गोदावरी में जब स्नान करने गए, तो गोदावरी के शीतल जल में स्नान करते समय जब कुछ ठंडी का अनुभव हुआ भगवान को, लक्ष्मण जी को भी थोड़ी शीत का अनुभव हुआ, तो भगवान श्री राम ने कहा कि जब यहां पर इतनी ठंडी पड़ रही है महाराष्ट्र में, तो अयोध्या में कितनी ठंडी पड़ रही होगी, और इस ठंडी में भैया भरत सरयू में कैसे स्नान करते होंगे। भरत जी की याद आई राम जी को,
वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि कथम त्वपर रात्रेषु सरयूमवगाहते, कथम त्वपर रात्रेषु सरयूमवगाहते, अर्धरात्रि में ही भैया भरत सरयू में कैसे स्नान करते होंगे। ये सोचकर भगवान को पीड़ा हुई, अपने भक्त की याद आई, भैया भरत की याद आई। रात्रि में 12 बजे अर्धरात्रि में 2 बजे भैया भरत सरयू में स्नान करने जाते, इसीलिए राम जी कहते हैं कि कथम त्वपर रात्रेषु, अपर रात्रेषु अर्धरात्रि में सरयूम अवगाहते, सरयू में स्नान करते होंगे, कितनी ठंडी लगती होगी उन्हें। रात्रि में 2 बजे भरत जी स्नान करने क्यों जाते? सारे लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में सरयू में स्नान करने जाते थे, लेकिन भरत जी रात्रि के 2 बजे जाते थे। कारण बोले, भरत जी का ये भाव था कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में मैं स्नान करने जाऊंगा, उसी समय सभी लोग स्नान करने जाते और सभी लोग मुझे देखेंगे और संकोच में मुझे प्रणाम करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और अभिनंदन तो कर लेंगे, प्रणाम तो कर लेंगे, लेकिन जाने के बाद सबके मन में यही पीड़ा होगी, इस भरत के कारण ही राम को वन में जाना पड़ा, और मुझ पापी का सवेरे सवेरे मुख लोग देखेंगे, उनका तो दिन अमंगल हो जाएगा। ऐसा नैच्यानुसंधान, ऐसा दैन्य भाव श्री भरत जी का कि कहीं मेरा मुख देखकर किसी को ये अनुभूति न हो कि कैसे व्यक्ति का मैंने मुख देख लिया जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। भरत जी यही कहते हैं, मेरे जैसा पापी कौन होगा जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप निवासु, जे लगसी राम बनवासु, जे लगसी मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सी राम बनवासु, जिनके कारण श्री सीता रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा। इस कारण से भरत जी रात्रि के 2 बजे ही स्नान करके आकर अपनी कुटिया में प्रवेश कर जाते, किसी का दर्शन नहीं होता, किसी से मिलते नहीं। भरत जी के इस भाव का स्मरण करके भगवान श्री रघुनंदन व्याकुल होते हैं, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगता है, और टीकाकारों ने तो बड़ा भाव अनुभव किया कि जब भरत जी का स्मरण करके भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान के नेत्रों के उष्ण अश्रु गोदावरी में मिले तो गोदावरी का जो शीतल जल था वह भी उष्ण हो गया। और यही स्थिति भैया भरत की अयोध्या में, भगवान श्री रघुनंदन के वियोग में भगवान का स्मरण करके जब भरत जी के आंखों से अश्रुपात होता तो उनके आंखों के उष्ण अश्रु से सरयू का शीतल जल भी उष्ण हो जाता और भरत जी स्नान करते। उसी समय श्री लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज तक मैंने यही सुना था कि माँ के सारे गुण पुत्र में आते हैं और पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते हैं, ये लोकोक्ति। लक्ष्मण जी कहते हैं इस लोकोक्ति को, इस लौकिक परंपरा को भैया भरत ने
असत्य सिद्ध कर दिया। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते थे? लक्ष्मण जी ये कहना चाहते थे कि मां के गुण पुत्र में आते हैं और पिता के गुण बेटी में आते हैं, लेकिन इस लोकोक्ति को भैया भरत ने असत्य सिद्ध कर दिया। मां के गुण भरत जी में नहीं आए, पिताजी के ही सारे सद्गुण भैया भरत में आए। इस वाक्य में पूर्ण रूप से भैया भरत की प्रशंसा है, उनके गुणों का चिंतन है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जहां पर हमारी आपकी दृष्टि नहीं जा सकती, सूक्ष्म रूप से मां केकई की आलोचना भी छिपी हुई है। सूक्ष्म रूप से मां केकई की आलोचना इसमें छिपी थी कि मां केकई के गुण नहीं आए, महाराज के सारे गुण भैया भरत में आए। इतना सुनते ही भगवान श्री राम को बड़ी पीड़ा हुई और भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरी मां केकई की आलोचना मत करो। नते मध्यमां बाता तो गर्हितव्या कदाचन, नते मध्यमां बाता तो गर्हितव्या कदाचन, तुम मेरी मझली मां की निंदा मत करो, उनकी आलोचना मत करो। डांट दिया राम जी ने लक्ष्मण जी को वहीं गोदावरी में स्नान करते समय। यहां पर केकई मां को मध्यमांबा कहा, मध्यमांबा का मतलब मझली मां। ऐसे केकई जी छोटी हैं, मां कौशल्या प्रथम पट्ट महिषी हैं और द्वितीया श्री सुमित्रा जी हैं और तृतीया महारानी केकई हैं। तो मध्यमांबा तो सुमित्रा जी हुई, लेकिन राम जी कहते हैं कि नते मध्यमां बाता तो गर्हितव्या कदाचन, मेरी मध्यमांबा का मझली मां का मेरी मां मध्यमांबा जो महारानी है उनकी तुम आलोचना मत करो। मध्यमांबा कहने का तात्पर्य कि भगवान ने जिस दृष्टि से कहा, दो पट्ट महिषियां महारानी कौशल्या महारानी सुमित्रा और फिर महारानी केकई और महारानी केकई के बाद 350 रानियां दशरथ जी की, जो वो भी भगवान की मां ही, तो उन अन्य माताओं और इन दो पट्ट महिषियों के बीच में कोई अगर है तो कौन है? महारानी केकई है। इस दृष्टि से राम जी ने मध्यमांबा कहा। नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन, और इतना कहते हुए राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अगर तुम्हें कुछ बोलने का मन ही है तो तमेवम इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अगर तुम्हें कुछ बोलने का मन हो और कुछ सुनाना चाहते हो तो इक्ष्वाक कुल के जो नाथ हो, कौन? बोले श्री भरत। राम जी कहते हैं इक्ष्वाक कुल के नाथ भरत, अगर भरत न होते तो इक्ष्वाक कुल आज नष्ट हो चुका होता। राम जी कहते हैं कि तमेवम इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु, ऐसे इक्ष्वाकुलनाथ भरत की कथा मुझे सुनाओ। मुझे अपने भरत की कथा बहुत प्यारी लगती है और भरत जी भगवान के परम भक्त हैं, भक्तों की कथा भगवान को अत्यंत प्रिय है, यह वाल्मीकि रामायण के द्वारा प्रमाणित होता है। भगवान स्वयं भक्तों की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, यही मूल भगवान के श्रोता होने में प्रमाण है कि भगवान के भक्तों का जो चरित्र है इसके श्रोता स्वयं भगवान है। और भक्तमाल की महिमा में तो वर्णन है कि श्री भक्तमाल जी के जो टीकाकार हैं, मूल भक्तमाल ग्रंथ जो है जिसके रचयिता श्री नाभादास जी महाराज हैं, 16 दोहा और 196 छप्पे छंदों में सतयुग से लेकर
कलयुग तक के भक्तों का वर्णन किन्हीं का संक्षेप में, किन्हीं का विस्तार से श्री नाभादास जी ने वर्णन किया। और बाद में श्री नाभादास जी के शरीर पूर्ण हो जाने के 100 वर्ष बाद संत श्री प्रियादास जी महाराज हुए, जो माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय की परंपरा में उनको स्वप्न में भगवान ने आदेश किया कि श्री नाभादास जी ने जो भक्तमाल की रचना की उस ग्रंथ की आप टीका लिखो, उसका आप विस्तार करो, क्योंकि नाभादास जी ने जो लिखा वो तो सूत्र रूप में लिखा, उसका विस्तार होगा तो भक्तों को ये कथा अत्यंत प्रिय होगी। तो श्री प्रियादास जी महाराज ने 634 कवित्त छंदों में भक्तमाल जी की टीका लिखी, मूल मूल विषयों का विस्तार किया और भक्तमाल जी की बड़ी सुंदर कथा करते थे। एक बार श्री प्रियादास जी महाराज घूमने के क्रम में रामत करते हुए जयपुर पधारे। संत तो घूमते ही रहते हैं और संत को घूमते रहना चाहिए, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत का स्वभाव कैसा हो, बोले सम्मान और अपमान में समान बुद्धि हो जाए। कोई बहुत सुंदर माला पहना दे, खूब सम्मान कर दे तब भी कोई फर्क न पड़े, और कोई अपमान भी कर दे तो कोई फर्क न पड़े। सममान निरादर आदर है सब संत सुखी विचरंतमहि। और वह संत सुखी रहता है जो विचरणशील रहता है। संत और पानी ये दो अगर रुक जाए तो दूषित हो जाते हैं। पानी एक जगह रुक जाए तो उसमें गंदगी आ जाए, पानी विकृत हो जाए और वो बहता रहे तो वो निर्मल बना रहे। उसी प्रकार संत भी अगर एक जगह ज्यादा रुक जाए तो किसी से द्वेष होगा, किसी से प्रेम होगा, किसी से ईर्ष्या होगी, किसी की आलोचना होगी, किसी की प्रशंसा होगी और धीरे धीरे सारे दुर्गुण जीवन में आ जाएंगे। इसलिए संत को विचरणशील रहना चाहिए। श्री प्रियादास जी महाराज भी भक्तमाल के जो टीकाकार हैं श्री प्रियादास जी, ये विचरण करते हुए अपनी रामत में घूमते घूमते श्री गोविंद देव जी के यहाँ पहुंचे। जयपुर में श्री गोविंद देव जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है और बड़े कृपालु ठाकुर हैं श्री गोविंद देव जी महाराज। वृंदावन की निधियों में एक निधि है, पहले वृंदावन में ही गोविंद देव जी विराजते थे, बाद में जयपुर पधारे। मुगलों के काल में जब दिल्ली के बादशाह ने श्री गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी तो भक्त लोग बड़े दुखी हुए, भगवान को लेकर के कहाँ जाएं। उस समय जयपुर के महाराज ने कहा आप भगवान को लेकर के हमारे यहाँ आओ, यहाँ उनकी सेवा होगी, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। और भक्त लोग भगवान को लेकर के श्री वृंदावन धाम से जयपुर पधारे और महाराज ने अपने ही महल में उनको विराजमान कर दिया और वहीं उनकी सेवा होने लगी। आज भी श्री गोविंद देव जी महाराज वहीं विराजते हैं और बड़े अद्भुत ठाकुर गोविंद देव जी महाराज। श्री गोविंद देव जी महाराज रास बिहारी भगवान हैं, उनके यहाँ कोई भी भक्त आवे खाली हाथ नहीं जाते। एक बड़ी सुंदर कथा है, एक कोई चोर आया, सब लोग कुछ न कुछ भगवान से मांगते रहे, वो चोर भी बेचारा खड़ा था, वो भी सोच रहा था मुझे मौका मिले तो मैं भी कुछ चोरी करूं, चांदी के बड़े बड़े बर्तन और सेवा के पात्र सब रखे थे, मौका मिल जाए तो कुछ ले जाऊं। लेकिन उसे मौका नहीं मिला तो उस चोर ने गोविंद देव जी को ही प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके यहां सबको मांगने पर कुछ मिलता है, तो मैं भी आपके द्वार पर आया हूं, क्या मैं आज खाली हाथ जाऊंगा।
और खाली हाथ जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। उस चोर ने गोविंद देव जी से कहा कि हे प्रभु, नित प्रति थाके आवा, नित पर थाने ध्यावा, टावर टूबर भूखा मरिया, गोविंदा काई खावा। अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, कि नित्य प्रति मैं यहाँ आता हूँ और आपका ध्यान लगाता हूँ, आपके अंग अंग पर कितने दिव्य आभूषण हैं और कितनी वस्तुएं हैं, और मिलता कुछ नहीं। ये हमारे जो बच्चे हैं टावर टूबर, ये सब भूखे मरेंगे, महाराज कुछ तो उपाय करो। भगवान को दया आई और भगवान ने कहा ठीक है। जब भीड़ हट गई तो भगवान ने ही उसके कानों में मानो कहा, ऐसा करो रोज आओ मेरे यहाँ, नित प्रति माने आओ और नित प्रति माँ का ध्याओ, रोज मेरे यहाँ आओ और मेरा ध्यान करो, और मुझे छोड़ करके जो यहाँ तुम्हें दिखे सो ले जाओ, मुझे छोड़ देना। महाराज वो चोर मौका पाया और वस्तुएं ले गया, एक बार ले गया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी बुद्धि बदल गई, शुद्ध हो गई और चोरी का कर्म छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लगा और उसका भी कल्याण हो गया। ऐसे श्री गोविंद देव जी महाराज, श्री गोविंद देव जी महाराज के यहाँ श्री प्रियादास जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे। वहां के संतों ने कहा कि आप कथा सुनाओ, भक्तमाल की कथा सुनाओ। भक्तमाल की कथा होने लगी, कई दिनों तक भक्तमाल की कथा चली। जब कई दिनों तक भक्तमाल की कथा चली तो एक दिन प्रियादास जी ने कहा अब हम जाएंगे, हमको घूमने जाना है, और फिर जब घूम करके लौटेंगे तो फिर आगे की कथा सुनाएंगे। लोगों ने कहा ठीक। वहां के भक्तों ने उनको विदा किया और गए, और जब घूम करके आए कुछ दिन बाद फिर अपनी रामत से, फिर मंदिर में जब विराजे तो श्री प्रियादास जी को याद नहीं था कि कहां तक की कथा हमने सुनाई। भक्तमाल जी की कथा तो हो रही थी, लेकिन कहां तक कथा भई थी ये प्रसंग याद नहीं था उन्हें। तो उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि आप लोग बताओ कहां तक कथा हुई थी, उसके आगे की कथा हम सुनाएं। तो जितने श्रोता थे कोई नहीं बता पाए कि कथा कहां तक हुई थी। अब सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे कहां तक कथा हुई थी, हमको भी याद नहीं। तब तक मंदिर में विराजमान भगवान ही बोल पड़े कि कहां तक कथा हुई थी। श्री रेदास भक्त की गाथा भई कहो आगे अब नाथा। श्री रेदास भक्त की गाथा भई कहो आगे अब नाथा। श्री रेदास मंदिर से भगवान बोल पड़े कि रैदास जी तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा आप सुनाओ। सब लोगों ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, और प्रियादास जी ने कहा आज निर्णय हो गया। क्या निर्णय हुआ? बोले निर्णय यही हुआ कि श्री भक्तमाल की कथा के श्रोता तो भगवान हैं, भगवान ही सुन रहे थे, बाकी तो सब ऐसे ही आनंद में थे, लेकिन सुना भगवान ने, इसलिए भगवान को याद। भगवान ने कहा यहां तक की कथा हुई है, अब इसके आगे की कथा आप सुना। उसी दिन ये निर्धारण हो गया कि भक्तमाल की कथा के श्रोता भगवान है। भक्तों की कथा भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भक्त भगवान के प्राण के समान है। स्वयं भगवान कहते हैं मम प्राणा हि पांडवाः, ये पांडव जो मेरे भक्त हैं ये मेरे प्राण हैं। और ऐसे भी आगम शास्त्रों में कहा गया कि भगवान के हृदय में जो कौस्तुभ मणि है, वो कौस्तुभ मणि भगवान के भक्तों का समूह है। सारे भगवान के भक्त नित्य कौस्तुभ मणि के रूप में ही भगवान के वक्ष पर विराजते हैं। तो ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल जी, इसका नाम श्री नाभादास जी ने भक्तमाल रखा, भक्तों की माला बनाई। भक्तमाल का अर्थ है भक्तों की माला, और भक्तों की माला बनाकर, भक्तों के चरित्र की माला बनाकर के भगवान को धारण कराया।
माला में चार चीजें होती हैं। एक तो मनका होती है जिससे माला बनती है, दूसरा बोले वो धागा होता है जिस धागा में सभी मनकाएं जोड़ी जाती हैं, और फिर माला को जहां पर जोड़ा जाता है वहां पर एक सुमेर होता है, ये तीसरी चीज होती है। और चौथा बोले उस सुमेर के ऊपर फुदना होता है, फूल लगा रहता है। मनका, सूत्र और सुमेरु और ऊपर फुदना, ये चारों मिलकर के माला बनती है। ये भक्तमाल जो है इसमें ये चार कौन कौन है, तो श्री नाभादास जी महाराज मंगलाचरण में ही चारों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगलाचरण में भक्त चतुष्टय की वंदना करते, भक्त चतुष्टय माने एक तो भक्त, दूसरा ले भक्ति, भक्ति है भक्त तभी कहलाएगा जब उसके अंदर भक्ति हो, तो भक्त भक्ति। और किसकी भक्ति की जाए, बोले भगवंत, भक्ति भगवान की हो। और इस भक्ति का उपदेश कौन करेगा, बोले गुरु करेगा, इसलिए गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, ये कहने के लिए चार हैं लेकिन चारों एक ही है। क्यों, बोले भक्त के हृदय में ही भक्ति होती है और गुरु भी भक्त ही होता है, और भगवान बोले भगवान भक्त के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। कहने के लिए चार नाम है लेकिन शरीर एक है, एक ही में है चारों का स्वरूप दर्शन होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तो ये जो माला बनाई श्री नाभादास जी महाराज ने, भक्तों की माला, इस माला में भक्त ही मनिका है, अनेक भक्त, जैसे माला में अनेक मनकाएं होती हैं, ये भक्त ही मनका है। और भक्ति क्या है, बोले भक्ति सूत्र है जो सबको जोड़ती है, और भक्ति सब मनका के हृदय को पार करके एक एक मनका को जोड़ती है। भक्तों को जोड़ने वाली जो भक्ति है वही सूत्र है इस माला का, भक्त माला का। और सुमेरु कौन है, बोले सुमेरु गुरुदेव है, आचार्य है। और उस सुमेरु के ऊपर जो फुदना है, जो फूल लगा है, वो क्या है, बोले वही भगवान है। भक्त ही मनका है, भक्ति ही सूत्र है, और सुमेरु ही गुरुदेव है, और सुमेरु के ऊपर लगा हुआ जो फुदना है वो स्वयं भगवान है। यही भक्तों की माला है, और ये माला श्री नाभादास जी ने बनाई। श्री नाभादास जी महाराज अनुभव करते हैं कि भगवान को जो माला प्रिय है, भगवान को अत्यंत प्रिय जो माला है उसका नाम वनमाला है। वनमाला भगवान को अत्यंत प्रिय है, और वनमाला में पांच प्रकार के फूल गूथे जाते हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभिर्ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और सरोरुह, इन पांच प्रकार के पुष्पों को मिलाकर के जो माला बनाई जाती है
उसी माला को वनमाला कहते हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्री नाभादास जी महाराज ने ये जो माला बनाई, इस माला में भक्तों को जो मणिका बनाया, ये भक्त ही फूल हैं, सुमन हैं, और ये भक्त पांच प्रकार के होते हैं। भगवान के भक्तों की कोटि पांच प्रकार की बताई। शांत भाव से भगवान की उपासना करने वाले, शांत रस रसिक, और दूसरे दास्य, भगवान को अपना स्वामी और स्वयं को भगवान का दास समझकर दास भाव से भगवान की उपासना करते, और तीसरे सख्य भाव, भगवान को अपना सखा मानकर भगवान से प्रेम करने वाले भक्त सख्य भाव, और चौथा भाव वात्सल्य भाव, भगवान को बालक समझकर उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना और वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना करना, ये वात्सल्य भाव। और पांचवा भाव श्रृंगार भाव, भगवान को अपना प्रियतम समझना, अपने को भगवान की प्रियतमा समझना, जिस भाव से गोपियों ने भगवान की उपासना। भगवान की भक्ति में इन पांच रस का ही महत्व है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। शांत रस के उपासक वो ज्ञानी जन है जो शांत भाव से अपनी आत्मा के भी आत्मा के रूप में परमात्मा का अपने हृदय में जो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो शांत भाव के उपासक भक्त। और दास्य भाव, बोले भगवान का दास बनकर के भगवान की सेवा करने वाले भक्त। दास्य भक्तों में श्री हनुमान जी महाराज जो कहते हैं कि दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। दास्य भाव, हम भगवान के दास हैं। और दास भाव की उपासना भी बड़ी महत्वपूर्ण उपासना, वेदों में भी इस भाव का वर्णन किया गया कि दास भूता स्वतः सर्वे। वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः, कि जितनी आत्माएं हैं ये सब परमात्मा की दास भूता हैं, हम सब भगवान के दास हैं। इस उपासना भाव को वेदों ने प्रमाणित किया। शांत भाव की उपासना जो है उसका भी प्रमाण वेदों ने दिया। वेद भगवान कहते हैं कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति। शांत भाव, उस परम तत्व को जान करके अपनी आत्मा में ही उस परम तत्व का चिंतन करना, ये शांत भाव। और दास्य भाव और सख्य भाव, भगवान को अपना सखा समझना। सख्य भाव का उपदेश स्वयं भगवान ने दिया श्री रामावतार में, जब विभीषण जी की शरणागति होने लगी तो भगवान ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा, वानरों के बीच में पहले लोगों ने विभीषण की शरणागति का विरोध किया, सुग्रीव ने, अंगद ने, मयंद ने, अनेक वानरों ने, मंत्रियों ने, भगवान के जो थे सबने विरोध किया, नहीं नहीं इस समय विभीषण को शरण में लेना, अपनी पार्टी में शामिल करना ठीक नहीं है। जैसे दल बदलू लोग होते हैं, दल बदल करके मौके पर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो कभी कभी उनका विरोध भी होता, भाई इनको शामिल मत करिए। उसी प्रकार भगवान के परिकरों ने, उन वानरों ने कहा, इस समय विभीषण को स्वीकार करना, विभीषण को अपने दल में लेना, ये राजनीति की दृष्टि से अनुचित है।
क्योंकि शत्रु का भाई है और रात्रि के 12 बजे आया है और खाली हाथ नहीं आया है, शस्त्र लेकर के आया है। उत्पपात गदा पाणी ही, विभीषण जी गदा लेकर के आए थे रात्रि के 12 बजे भगवान की शरणागति कर। वानरों ने कहा, चौथी बात ये कि अकेले नहीं आए हैं, चार को लेकर के आए हैं, चतुर्भिस्सह राक्षसैहि, इसलिए शंका इनके ऊपर होती है। अकेले आते, निहत्था आते, दिन में आते तो विचार किया जाता, एक तो रात्रि में, दूसरे मायावी निशाचर और शस्त्र लिए हुए, और अकेले नहीं, चार चार को लेकर। ऐसी स्थिति में राजनीति कहती है इनको अपने दल में सम्मिलित करना ठीक नहीं है। तब भगवान ने कहा, सुनो, चिंता मत करो, अगर विभीषण मेरी शरण में आए हैं तो ले आओ, चिंता मत करो। रावण भी अगर आ जाए मेरी शरण में, मैं तो उसको स्वीकार कर लूं। ये विभीषण क्या है? यदि वा रावण स्वयं, रावण स्वयं मेरी शरण में आ जाए तो उसे भी मैं स्वीकार कर लूंगा, और विभीषण आए हैं तो ले आओ, अगर वो शत्रु भाव से आए हैं तब भी ले आओ, और सच्चे में शरणागति करने आए हुए हैं तब भी ले आओ। बोले, महाराज अगर शत्रु भाव से आए हैं विभीषण तब तो अनिष्ट कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, इसकी चिंता मत करो। पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानर राज सुग्रीव, इस पृथ्वी पर जितने निशाचर हैं, जितने असुर हैं, उन सारे असुरों और निशाचरों को मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से मार सकता हूं, तुम चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, आने दो। अंगुल्य ग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। और श्रीमद रामचरित मानस में तो भगवान और आगे बढ़ करके बोलते, भगवान कहते, मेरी क्या बात, पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं उनको तो मेरा लक्ष्मण जो है पलक झपकते मार सकता है। जग मह सखा निशाचर जेते, जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन हे निमिष माते ते, लक्ष्मण हन हे निमिष माते। जगत में जितने निशाचर हैं उनको मेरा लक्ष्मण ही मारने के लिए पर्याप्त है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ और विभीषण को ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयम मया, आनयैनम हरिश्रेष्ठ, हे बानर श्रेष्ठ, विभीषण को ले आओ। दत्तमस्याभयम मया, मैंने विभीषण को अभय दे दिया है, चाहे वो शत्रु भाव से आया हो, चाहे मित्र भाव से आया हो। उभय भांति तेहि आनहु, उभय भांति, उभय माने शत्रु भाव चाहे मित्र भाव, जिस भाव से भी आए, उभय भांति तेहि आनहु, हंसि कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। और इस प्रसंग में श्री भगवान रघुनंदन कहते हैं कि विभीषण मित्र भाव से आए, और मित्र भाव से जो मेरी शरण में आता है, मुझे अपना मित्र मानता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भगवान का वचन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। वानरों ने कहा, अगर उसमें दोष हो तो भगवान कहते, मित्र में कभी दोष देखा ही नहीं जाता है, हो भी तो कोई बात नहीं, दोस्त में कहीं दुर्गुण देखा जाता है। भगवान कहते हैं, यद्यपि दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो, सताम एतद् अगरहितम्, मित्र में दोष देखना अनुचित है, इसलिए मैं अपने मित्रों का दोष नहीं देखता। मित्र भाव से अगर आ जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, भले उसके अंदर दोष विद्यमान। मित्र भाव की इतनी महिमा भगवान ने बताई, इसलिए कुछ भक्त मित्र भाव से भगवान की उपासना करते।
सख्य भाव इसी को कहते हैं। और इस भाव का भी अनुमोदन वेद भगवान ने किया। वेदों में मंत्र आया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। उपनिषद में जीव और ब्रह्म का जब विवेचन किया तो वहां पर कहते हैं कि जीव और ब्रह्म ये दोनों परस्पर सखा हैं, मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते, और दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। और वो वृक्ष क्या है? बोले प्रकृति, माया। प्रकृति के माया के वृक्ष पर इसी पर ब्रह्म भी है, जीव भी है, और दोनों पक्षी रूप हैं और दोनों सखा हैं। अंतर केवल इतना है कि वह ब्रह्म माया के वृक्ष पर बैठ करके भी माया के फल का सेवन नहीं करता, और जीव माया के वृक्ष पर बैठकर माया के फल का सेवन करने में लग जाता है। तो सख्य भाव से भगवान की उपासना, यह भी भक्ति का एक स्वरूप है। और वात्सल्य भाव, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव। भगवान बालक हैं और भगवान के बाल रूप की उपासना, ये वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव की उपासना के प्रमाण श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा हैं, जिन्होंने तपस्या की। भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया उनको। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम लाज ही तनु शोभा निरख कोटि कोटि शत काम। भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया, ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप का दर्शन करके प्रणाम तो कर लिया। और जब मांगने की बात आई, भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? मांग मांग बर भई न भवानी। पहले तो आकाशवाणी हुई मांगो, फिर भगवान जब प्रकट हुए तब भगवान ने कहा अब मांगो, संकोच त्याग करके मांगो। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। तो स्वयंभू मनु ने भगवान को देखा, और भगवान को देखकर स्वयंभू मनु को लगा ये मेरे बेटा बन जाते। वात्सल्य भाव, ये मेरे बेटा बन जाते, मैं इनको अपने गोद में खुलाता, इनका लाड करता, इनको अपने कंधे पर बैठा करके घुमाता। ये मुझे बाबूजी कहते, मुझे पिताजी कहते। ये वात्सल्य भाव स्वयंभू मनु और शत्रुपा के अंदर प्रकट हुआ, और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभो, मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप मेरे बेटा बन जाओ। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराम, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराम, हाँ प्रभु सन कवन दुराम, वात्सल्य भाव। भगवान के प्रति श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी का वात्सल्य भाव, ये मेरे बेटा बन जाए, मैं इनको गोद में खिलाऊं, इन्हें झूला झुलाऊं, इनका लाड करूं, इनका दुलार करूं। भगवान के प्रति ये वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, और स्वयंभू मनु ने मांगा आप मेरे बेटा बन जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप अयोध्या में श्री दशरथ और कौशल्या के रूप में जब प्रकट होगे तो मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। तो वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना करना। और पांचवा भाव है श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव से भगवान की उपासना जो कि गोपियों ने किया। गोपियों ने भगवान को अपना प्रियतम माना, पति माना। और हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के प्रथम आचार्य, इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले प्रथम आचार्य श्री षटकोप स्वामी, जिनको तमिल भाषा में नम्मालवार कहते हैं, उन्हीं का नाम परांकुश मुनि है। श्री षटकोप स्वामी जी महाराज ने
अपने ग्रंथ में सहस्र गीति में अनेक स्थानों पर नायिका भाव से भगवान की उपासना, भगवान को अपना प्रियतम माना, अपने को भगवान की प्रियतमा अनुभव किया श्री षठकोप स्वामी जी ने, परांकुश स्वामी जी। इसीलिए आज भी श्री संप्रदाय के मंदिरों में षठकोप स्वामी जी का जो विग्रह होता है वह सखी के रूप में ही होता है, उनका श्रृंगार सखी के रूप में ही होता है। उनके केशों को ऐसे बगल में घुमा करके जूड़ा बनाया जाता है और उसमें मोतियों की लर होती है और सखी भाव से, प्रियतमा के भाव से षठकोप स्वामी जी ने भगवान की उपासना की और गोपियां तो इस श्रृंगार भाव की विशेष उदाहरण है। गोपियों ने भगवान को अपना प्रियतम माना और पति के रूप में भगवान को चाहा, इसके लिए उन्होंने अनुष्ठान भी किया, कात्यायनी देवी का पूजन किया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः, नंद गोप के पुत्र भगवान कृष्ण को मेरा पति बना दो। और इस भाव का भी पोषण वेदों ने किया, पतिम विश्वा विश्वस्यात्मेश्वरम, वेद भगवान कहते पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, भगवान संपूर्ण विश्व के पति हैं और ये समस्त जीवात्माएं ये सब भगवान की प्रियतमा है और भगवान सबके पति हैं, विश्वपति हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन ने जब भगवान से प्रार्थना की तो वहां पर अर्जुन ने यही कहा, प्रियः प्रियार्यार्हसि देवशोढुम, हे भगवन एक प्रिया के लिए एक प्रियतम जितना महत्वपूर्ण और स्मरणीय होता है उसी प्रकार आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। इसी भाव का पोषण श्रीमद्भागवत में वृत्रासुर ने जब भगवान की स्तुति की तो वृत्रासुर ने भी यही कहा कि सारे भावों का, भगवान की उपासना के ये जो पांच भाव हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और श्रृंगार भाव, इन पांच भाव से भक्तों ने उपासना की भगवान की। और भक्तों के ये पांच प्रकार हैं और यही पांच प्रकार के फूल हैं जिन फूलों से भक्तमाल की ये माला भगवान के लिए नाभाधाशी तैयार कर दी। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहि पंचभिर रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता, इसी का विस्तार श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्व में करते हैं। शांत दास सखे बात सल्ले और श्रृंगार चारू पांचो रस सारे बीस तारिणी के गाए हैं। शांत दास सखे बात सल्ले और श्रृंगार चारू पांचो जानोगे बिचारी मन इनके स्वरूप लगाए हैं। शांत दास सखे
शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, इन्हीं पांचों रसों का विस्तार भक्तों के चरित्र के माध्यम से भक्तमाल ग्रंथ में होता है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ये भक्तमाल की कथा कितनी प्यारी है। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात प्रभु कभू। भक्ति तो हम कर रहे हैं, खूब कथा सुन रहे हैं, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, लेकिन न कभी आंखों से अश्रुपात हो रहा है और न कभी शरीर में कोई परिवर्तन दिख रहा है। कभी रोम पुलकित नहीं होते, आंखों से अश्रुपात नहीं होता, कथा सुन लेते। जबकि कथा सुनने का फल यह है कि आंखों से अश्रुपात हो, तन पुलकित हो, वाणी गदगद हो जाए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहलीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहलीरा। मम गुण गावत। भगवान का गुणगान करते समय वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो, तन पुलकित हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भगवान के भक्तों का चरित्र अगर प्रेम से सुनो, कोई व्यक्ति सुनता है तो जिसको कभी अश्रुपात नहीं हुआ, जिनका तन भगवान की कथा सुनकर के कभी पुलकित नहीं हुआ, ऐसे लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और उनका तन पुलकित हो जाएगा। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हों को भाव सिंधु बोरी के छकाए। ऐसे नीरस व्यक्ति को भी ये भक्तमाल की कथा भाव के सिंधु में डुबो देती है, छका देती है, तृप्त कर देती है। ऐसी भक्तों की ये कथा, श्री भक्तों की जब कथा सुने तो भक्तों की कथा में भक्तों के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ बनी रहे, बड़ा कठिन है। भगवान की कथा सुनकर के पचा लेना बड़ा सरल है, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा को सुनकर के पचा पाना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? बोले भगवान की कथा में तो सब अच्छी अच्छी बात ही सुनने को मिलती है, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये अच्छा काम। और भक्त, बोले भक्त तो हमारे आप जैसे संसार के प्राणी ही होते, उनके जीवन में कुछ कहीं ना कहीं कमियां भी रहती हैं, कोई दोष भी दिखता है। और कितने तो महाराज ऐसे भक्त हुए जिनका पूर्व वृत्त बड़ा ही विलक्षण, पूर्व चरित्र उनका बड़ा विलक्षण। महाराज पहले पता नहीं क्या क्या किया, बाद में भगवान के परम भक्त हुए। अजामिल ने कोई ऐसे पाप कर्म बाकी नहीं रखे, बाद में भगवान का परम भक्त हुए। ऐसे बहुत से भक्त हैं। विश्वामित्र जी महाराज भगवान के परम भक्त, लेकिन वशिष्ठ जी के कितने पुत्रों को मार डाला। मेनका अप्सरा 10 वर्षों तक उनके आश्रम में रही, शकुंतला पैदा हुई, सारा इतिहास भरा। अब उन पूर्व वृत्त को सुनकर अरे ऐसे थे, श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा कभी कभी डिग जाती है। भगवान की कथा सुनकर के तो श्रद्धा दृढ़ हो जाती, लेकिन भक्तों के चरित्र को सुनते समय उनका पूर्व व्रत, उनके जीवन की कोई ऐसी घटना सुनने के बाद मन विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में भक्तों के चरित्र करी ले विच
विचार हरि जी महाराज बड़ी सुंदर युक्ति बता रहे हैं कि किस प्रकार हम अपनी श्रद्धा को अडिग रखें, संतों के चरणों में हमारी श्रद्धा दृढ़ हो। संत हैं अनंत, गुण अंत कौन पावे जात। संत तो अनंत हैं और अनंत प्रकार के, भगवान भी अनंत हैं और भगवान के भक्त संत भी अनंत हैं। और जैसे भगवान के विविध रूप हैं, अनेक रूप रूपाये, उसी तरह भगवान के भक्त भी अनेक रूप रूपाये। सबकी परिपाटी अलग अलग है, अपना अपना ढंग है। और देखने पर लगता है अरे महाराज ये गलत है कि ये गलत है, बोले कोई गलत नहीं है, सब सही है। कुछ भक्त भगवान की ऐसे सेवा करते हैं, भगवान को बढ़िया मीठा मीठा भोग लगाओ, गरम गरम भगवान को भोग मत लगाओ नहीं तो भगवान का मुख जल जाएगा, पंखा करके वस्तु को बना करके उसे ठंडा करके तब भगवान को भोग लगाओ। अब ये भी भाव भक्त का ठीक, और एक भक्त का भाव आपको बताऊं तो सुन के आश्चर्य होगा। हमारी अयोध्या में एक संत थे, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, छावनी में थे, अपने ही भोजन बनाते थे और शालिग्राम भगवान को रखे थे, उन्हीं की सेवा करते थे, भोग लगाते। एक दिन कथा सुनने गए और कथा में किसी व्यास जी ने कथा सुनाया भगवान को खूब अच्छी अच्छी वस्तु भोग लगानी चाहिए और कई प्रकार की वस्तु भोग लगानी चाहिए। अब महात्मा के पास इतनी सुविधा कहाँ मिले कि रोज मालपुआ लड्डू और जलेबी 56 भोग भगवान को लगा। मन में सोचने लगे हमारे ठाकुर जी को विविध प्रकार का भोग लगता नहीं, कभी खिचड़ी भोग लगा देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो कम से कम दो चार प्रकार का स्वाद भगवान को मिले ऐसा कुछ मैं भोग लगाऊं। महात्मा ने कथा में कहा है, महात्मा तो बड़े सीधे साधे होते, कथा में सुन करके आए और उनको भाव जगा कि मैं भगवान को अनेक चीज तो भोग लगा नहीं सकता, कई प्रकार का स्वाद भगवान को कैसे मिले, और रोज केवल खिचड़ी बनाते थे। तो क्या युक्ति की, बोले दूसरे दिन जब खिचड़ी बनाने लगे तो उसी खिचड़ी में उसी चावल के अंदर शालिग्राम भगवान को रख दिया, उसी चावल के अंदर बटलोई में डाल दिया भगवान को। बोले महाराज जब चावल थोड़ा पके तो थोड़ा स्वाद ले लेना, फिर जब ज्यादा पक जाए तो दूसरा स्वाद ले लेना और फिर तीसरा स्वाद लेना, और जब पूरी खिचड़ी बन जाए तो उसका एक विलक्षण स्वाद होगा, वो स्वाद ले लेना। अब हमारे पास विभिन्न वस्तुएं तो है नहीं महाराज, हम इसी प्रकार आपको कई वस्तु भोग लगावें, ऐसा कह करके शालिग्राम भगवान को उसी खिचड़ी के बर्तन में ही रख कर और उसी में चावल दाल पानी हल्दी नमक मिर्चा सब डाल करके और उसी में तुलसी डाल करके चूल्हे पे चढ़ा दे। अब बताओ अब इस भक्ति को आप क्या कहो। अब उनकी यही परिपाटी, भगवान तो भावग्राही है, भगवान उन क्रियाओं को नहीं देखते, उन क्रियाओं के पीछे भक्त की भावना क्या है भगवान उसे ग्रहण करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव ग्रहण करते, आप भगवान के सामने जलेबी मालपुआ 56 भोग जो रखते हो वो 56 भोग भगवान नहीं खाते, वो तो सामने रखता रहता और उतना ही रहता है और उसी प्रकार आप लेकर के चले आते हो, तो फिर खाया क्या भगवान, भगवान ने खाया क्या। बोले आपने 56 भोग जो रखा उस भोग में आपकी जो भावना थी उस भावना को भगवान ने खा लिया। नैवेद्यम पुरतो महियम
गृहियते चक्षुषामया। भगवान कहते मेरे सामने जब नैवेद्य रखा जाता है, भोग लगाया जाता है, तो मैं अपनी आंखों से उसमें भाव ढूंढता हूं। गृहियते चक्षुषामया, अपनी आंखों से मैं देखता हूं इस जलेबी में इस भक्त का कितना भाव है, इस रसगुल्ले में इसका कितना भाव है, और अपने नेत्रों के द्वारा उस भाव को मैं ग्रहण कर लेता हूं। नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषामया। तो किसी भक्त ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से कि महाराज नेत्र से तो केवल रूप का दर्शन होता है, नेत्र का विषय रूप है, और व्यंजन में तो रस होता है, रस तो जीभ से लिया जाता है, फिर तो रस तो आपको नहीं मिलता होगा। तो भगवान कहते हैं मैं रस भी लेता हूं, लेकिन कब? भगवान कहते हैं जब कोई मुझे भोग अर्पण करता है तो पहले तो मैं भाव के द्वारा उसे ग्रहण कर लेता हूं अपने नेत्रों के द्वारा, फिर वही प्रसाद जब वैष्णव लोग मेरे भक्त लोग ग्रहण करते हैं तो उनकी जीभ के माध्यम से मैं स्वाद भी ग्रहण कर लेता हूं। रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे गृहणामि कमलोद्भव। हे ब्रह्मन, वैष्णवों के जिह्वाग्र पर विराजमान होकर के मैं रस ले लेता हूं। इसलिए भगवान को बहुत अच्छी अच्छी वस्तु भोग लगाओ, लेकिन भोग लगाने के बाद भगवान के भक्तों को अगर प्रसाद नहीं बांटा, भक्तों को नहीं खिलाया, तो रस भगवान तक नहीं पहुंचा। इसलिए भोग लगाने के बाद भगवान का प्रसाद बांटने की विधि, ये नहीं कि कोई प्रसाद ले आए तो उसको डांटने की विधि, डांट के भगा दो बोले जाओ, डांटो नहीं बांटो महाराज। भोग लगा करके जितना बांट पाओ उतना बांटो, जितना बांटोगे उतनी जिह्वा पर विराजमान होकर के भगवान रस ग्रहण करेंगे। तो भक्तों की परिपाटी, तो महात्मा क्या करे महाराज, उसी खिचड़ी की बटलोई में ही भगवान को रख दे और उनकी भावना की भगवान विविध स्वाद इसमें ग्रहण करें। एक दिन ये बात छावनी के पूज्य महाराज श्री को पता चली, ओ महाराज किसी ने आकर के कोतवाल ने बताया, वो एक महात्मा तो बड़ा विचित्र है, सवेरे सवेरे सालिग्राम भगवान को बटलोई में डालकर चूल्हे पर चढ़ा करके उनको पकाता है, कहने वाले तो उसमें और कुछ लगा करके बढ़ा करके आकर के बताया। महाराज ने कहा बुलाओ, महात्मा को बुलाया, बोले तुम ऐसा करते हो भगवान को शालिग्राम जी को जो है चूल्हे पर चढ़ा करके पकाते हो, ऐसा करते हो ऐसा करते हो। तो महात्मा ने सच्चे हृदय से कहा, महाराज परसों कथा में हमने सुना था, महात्मा जी कह रहे थे भगवान को कई प्रकार की वस्तुएं भोग लगानी चाहिए, मैं तो साधु कोई वस्तु मेरे पास रहती नहीं, मैं संग्रह करता नहीं, तो मैं भगवान को कैसे भोग लगाऊं। तो मैंने भावना की कि कई प्रकार का स्वाद भगवान को इसी खिचड़ी में ही मिल जाए, इसलिए उसी में डाल देते हैं भगवान। तो महाराज जी हंसने लगे, महाराज जी ने कहा अच्छा, महाराज जी ने कहा ऐसा करो, अब तुमको सारी वस्तु यहाँ से कोठार से मिलेगी, अपना जो जो बनाना हो बना करके भगवान को कई प्रकार का व्यंजन भोग लगाओ। तो भक्तों की उपासना बड़ी विचित्र होती है, किस दृष्टि से भक्त भगवान का चिंतन कर रहा है वह तो वही जाने। इसलिए प्रियादास जी कहते हैं, संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको, जाने रतिवंत को रीझे पहचान के। जो रतिवंत होगा, जो संतों के चरणों में निश्चल प्रेम करेगा, वही उनकी परिपाटी को जान सकता है, उनके भाव को जान सकता है। और अवगुण न दिख पड़े, संतों में कोई अवगुण न दिखाई पड़े। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, इन आंखों को गुण बाद में दिखता है, अवगुण पहले दिख जाता है। संतों में हमें अवगुण न दिखाई पड़े, अवगुण न दिख पड़े, देखत ही नयन भरे, और संतों का दर्शन करते ही आंखें भर जाएं, ऐसा भाव हो। बोले महाराज हम देखना नहीं चाहते संत में कोई दोष, परंतु अगर दिख जाए तो हम क्या करें। मान लो प्रत्यक्ष कोई दोष संतों के अंदर दिख ही जाए, जिसको संसार में लोग दोष कहते हैं, उस स्थिति में हम अपने मन को अपनी भावना को कैसे संभालें। तो पूर्वाचार्यों ने तो बड़ी विलक्षण बात कही, बोले अगर संत सारी मर्यादाओं का पालन करते हो तो ये भावना करो कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है,
थोड़े रसिक मिजाज हो तो समझ लो ये कन्हैया कृष्ण है। और संतों के जीवन में अगर कहीं थोड़ा लोभ भी दिखाई पड़ रहा है तो समझ लो ये वामन भगवान है। वामन भगवान आए थे, तीन पद पृथ्वी मांगने आए थे और लोभ इतना बढ़ा कि पैर बढ़ा करके संपूर्ण सब कुछ राजा बलि का ले लिया। लोभी वामन जान, अगर संतों के जीवन में कहीं ऐसा लोभ भी दिख जाए तो अपने मन को समझा लो ये वामन भगवान के रूप है। वामन भगवान भी तो ऐसे थे। संत के जीवन में अगर क्रोध दिखाई पड़े तो समझ लो ये नरसिंह भगवान। भावना अपनी ठीक करो। और प्रियादास जी तो कहते हैं कि जोपी कछ घाटी क्रिया देखियत इन माज कर लो विचार हरि की इच्छा मानित। जोपी कछ घाटी क्रिया कर लो विचार हरि की इच्छा मानित। अगर संतों में कोई घाटी क्रिया माने कमी दिखाई पड़े तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान की यही इच्छा है। ये भगवान की इच्छा से ऐसा होगा। जो पे घाटी क्रिया कछु देखियत इन माज करिलो विचार हरि ही की इच्छा मान। ये भगवान की इच्छा थी इसलिए इनके जीवन में ये कमी आ गई। अब प्रश्न ये है कि भगवान की इच्छा ऐसी क्यों हुई? इस तर्क का क्या उत्तर होगा कि भक्त के जीवन में कोई कमी आई और ये भगवान की इच्छा से हुआ तो भगवान ने अपने भक्तों के जीवन में ऐसी कमी पैदा क्यों की? उन संतों के जीवन में ऐसी कमी क्यों उत्पन्न की? तो प्रियादास जी कहते हैं देखो भगवान भक्त वत्सल है। भक्तों के प्रति भगवान का वात्सल्य भाव होता है और वात्सल्य भाव की एक विशेषता होती है। बोले क्या? बोले जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, पाउडर लगाती है, केश संवारती है, आंखों में काजल लगाती है और उसके बाद जो काजल बचा रहा उस काजल को मत्थे पर डिठौना लगा देती है। पाउडर लगाया, काजल लगाया, केश संवारा, ये तो श्रृंगार है, लेकिन वो इतना बचा हुआ काजल मत्थे पर पोत दिया काला काला, वो क्यों पोता? बोले वो इसलिए लगा दिया कि जो श्रृंगार मैंने अपने बच्चे का किया है कहीं इस श्रृंगार पर किसी की नजर न लग जाए, किसी की कुदृष्ट न लग जाए, इसलिए माँ एक डिठौना लगा देती है, काले रंग का टीका लगा देती है। भगवान भी यही करते हैं, अपने भक्तों के जीवन को खूब सजाते हैं। भक्तों के जीवन में बड़ी विशेषताएं होती हैं लेकिन इसके साथ साथ भगवान अपने भक्तों के जीवन में एक कलंक का टीका भी लगा देते हैं जिससे संसार की नजर उस कलंक के टीके पर पड़े और मेरा भक्त सुरक्षित रहे। ये भावना करनी चाहिए, अगर भगवान के भक्तों के जीवन में कोई कमी दिख जाए तो यही मान लो कि भगवान ने अपने इस भक्त के संपूर्ण जीवन को सजाने के बाद एक कलंक का टीका लगा दिया है जिससे संसार के प्राणियों की नजर भक्त के ऊपर न लगे। प्रियादास जी कहते हैं कि बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठौना का रोटीट डर जाने। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठौना का रोटीट डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठौना का रोटीट डर जाने। देत जो डिठौना का रोटीट डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, जैसे स्नेहमयी माँ अपने बच्चे का श्रृंगार करने के बाद देत जो डिठौना कारो डीठ डर जान के, मेरे बच्चे को किसी की नज़र न लगे इसलिए माँ डिठौना लगा देती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में एकाद कलंक का टीका लगाई देते हैं जिससे संसार के प्राणियों की दृष्टि उस कलंक तक ही सीमित रह जाए, संसार के पामर प्राणियों को वो कलंक ही दिखे और मेरे भक्त का जीवन सुरक्षित बना रहे। ऐसी निष्ठा जब भक्तों में होती है तभी भक्तों का चरित्र हम हृदयंगम कर पाते हैं।
इसलिए भगवान के भक्तों की कथा को सुनना बहुत महत्वपूर्ण। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनकर के ही भक्ति का स्वरूप जीवन में समझ में आता है, भक्ति क्या है। इसीलिए प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तिलक लगा ले, गले में खूब मालाएं पहन ले और खूब लाल पीले कपड़े पहन ले, लेकिन तब तक उसको भक्ति समझ में नहीं आएगी जब तक वो भक्तमाल को नहीं सुनेगा और भक्तों के चरित्र को नहीं सुनेगा। सोभिते तिलक भाले माले ओरे रागे एपे, सोभिते तिलक भाले माले ओरे रागे एपे, पीला भक्त माले भक्ति रूप अति दूर है, कहते हैं कि शोभित तिलक भाल, मस्तक पर खूब तिलक लगा लग, शोभित हो उर राजे माल, गले में सुंदर तुलसी की मालाएं कई प्रकार की हैं, लेकिन बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तों का चरित्र सुने बिना भगवान की भक्ति तुमसे अभी बहुत दूर है। भक्ति को समझना, भक्ति को अगर ठीक ठीक समझना है तो भक्तों के चरित्र को प्रेम पूर्वक श्रवण करना है। ये पांच प्रकार के जो भक्त बताए, पंचरस, उपासक, यही पांच प्रकार के फूल हैं और इन्हीं पांच प्रकार के फूलों को जोड़ करके श्री नाभादास जी ने भक्तमाला बनाई, भक्तों की माला बनाई। वैजयंती दाम भागवती अली नाभा नाम, ये श्री नाभादास जी महाराज श्रृंगार भाव के उपासक हैं जो भक्तमालकार हैं। इसीलिए प्रियादास जी कहते हैं कि नाभा अली, अली माने सखी, सखी को अली कहते हैं। तो नाभा अली ने ये माला बनाई, वैजयंती दाम भागवती अली नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई। नाभादास जी ने जब भक्तों की ये माला तैयार की तो इस माला को देख करके भगवान ललचा गए, भगवान को लालच पैदा हो गई, ये माला मेरे गले में पड़ती। और नाभादास जी ने तो भगवान के लिए ही बनाया। पंचरस सोई, पंचरस सोई पंच रंग फूले थाके नीके, पंचरस सोई पंच रंग फूले थाके नीके, पीके पहिराले को फोरजे के बनाई है, पीके पहिराले को फोरजे के बनाई है। Thank you.
जाने पाई है। ऐसी सुंदर वैजयंती की माला श्री नाभादास जी ने तैयार की और इस माला को देखकर लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। भगवान श्याम सुंदर को ये माला बड़ी प्यारी लगी और भगवान ने कहा, नाभा अली ये माला मुझे पहना दो। धारी उर प्यारी की हूँ करत न न्यारी हो, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई। माला जब पहनाई तो श्याम सुंदर के गले में भक्तों की ये माला नाभादास जी ने धारण तो कराई, लेकिन माला ये सरक करके गले से भगवान के चरणों तक पहुंच गई। प्रियादास जी कहते हैं, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई। इसकी गति अद्भुत न्यारी कि ये माला ढरक करके सरक करके भगवान के चरणों तक पहुंच गई। क्यों? बोले भक्तों का भार, भक्ति का भार इतना था इस माला में कि ये माला गले से सरक कर चरणों तक आ गई। और दूसरा भाव कि भक्त तो भगवान के चरणों की उपासना करते हैं, चरणों में ही भगवान के चरणों में ही भक्त का स्थान होता है, इसलिए भक्तों की ये माला भगवान के गले से सरक करके भगवान के चरणों में पहुंच गई। भक्ति छवि भार ताते नमित श्रृंगार होत बस लखे जोई आते जानी पाई। बड़ी ही सुंदर भावना से श्री नाभादास जी ने इस भक्तमाला को तैयार किया। प्रियादास जी कहते हैं, हमारे आपके जीवन में भक्ति का वृक्ष अंकुरित हो और होता भी हो सत्संग से, संतों के दर्शन से, लेकिन हम उस वृक्ष को संवर्धित नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते। क्या कारण होता है? प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति का पौधा तो उत्पन्न होता है लेकिन उसको कुतर्क की बकरी चर जाती है। जैसे छोटा सा पेड़ कोई हो, पीपल का पेड़, बट का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आपने लगाया, अगर सावधानी नहीं रखी तो कहीं से बकरी आई और बकरी ने उस पौधे को खा लिया, अब वो पौधा खत्म। उसी तरह हमारे जीवन में भक्ति का बट वृक्ष अंकुरित तो होता है लेकिन कुतर्क की बकरी उसे आकर के चर जाती है। कुतर्क की बकरी से इसे बचाना है। कुतर्क की बकरी क्या है? बोले आप भगवान की भक्ति करो, सीताराम 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 करो, तो कुतर्की लोग आकर के कहेंगे, ये क्या सीताराम सीताराम कर रहे, ये सीताराम सीताराम करने से क्या सीताराम मिलते हैं, राम राम करने से कहीं राम मिलते हैं? अरे बोले मिलते हैं। वैसे कैसे मिलते हैं? राम राम करने से राम अगर मिलते हैं तो रोटी रोटी कहने से रोटी मिलनी चाहिए, किसी को मिलती है? रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से कहीं जीभ में मिठास आती है? नहीं आती है। बोले तो राम राम कहने से राम कहाँ से मिलेंगे? अब सामने वाला व्यक्ति ऐसा तर्क करेगा तो बुद्धि तो विचलित हो जाएगी, बोले हाँ ये भी बात ठीक कह रहा, ये कुतर्क की बकरी तुम्हारे भक्ति के पौधे को चर जाएगी। ऐसे कुतर्कियों से बचने की जरूरत, ऐसे कुतर्कियों का भी उत्तर है भाई, राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। देखने में यह तर्क बड़ा सुंदर लगता है लेकिन यह तर्क जो है यह स्वयं में तर्कहीन तर्क है, यह तर्क ही तर्कहीन है। क्यों? बोले रोटी और राम की बराबरी तुमने कर दी। रोटी जड़ वस्तु है, राम परम चेतन है। रोटी सुनती नहीं है क्योंकि वो जड़ वस्तु है और राम परम चैतन्य है, वो सुनते हैं। तुम राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे, रोटी रोटी कहोगे तो रोटी थोड़ी सुनेंगे। इसलिए रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, ये बात सत्य है, लेकिन राम राम कहने से राम मिलते हैं क्योंकि आप राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे।
लेकिन तत्काल सामान्य व्यक्ति को यह तर्क विचलित कर देता है। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, तो राम राम कहने से राम काम है। बोले उसको उसकी भाषा में अगर समझाना हो तो यह भी तर्क है। ठीक है, चलो भाई हम मानते हैं कि राम राम कहने से राम नहीं मिलते, जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, लेकिन हे बंधु, रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। आप किसी होटल में जाओ, भोजन करने बैठो और बैरा आकर के आपसे पूछे साहब क्या लावें, तो आपको तो रोटी खाना है, तो रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो आप रोटी मत बोलो, केवल इतना बोलो लाओ। तो कहेगा साहब क्या लावें, बोले लाओ। फिर पूछेगा साहब क्या लावें, बोले लाओ। तो बहरा कहेगा कोई पागल है, इसको भगाओ। जब तक तुम रोटी कहोगे नहीं तब तक रोटी तुमको नहीं मिलेगी। रोटी कहने से ही रोटी मिलती, तो राम राम कहने से ही राम जी मिलते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुतर्कों का उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा। और कुतर्की व्यक्ति आपके भक्ति के पेड़ को चर जाए। ये कुतर्की कौन है, बोले बकरियां हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन आपका जो भक्ति का पौधा है वो पौधा भी अभी छोटा है, इसलिए बकरी उसे चर जाएगी। इसे बचाने की जरूरत है। कैसे बचावें, तो कहते हैं कि सत्संग के घेरे से इसको सुरक्षित रखो। प्रियादास जी कहते हैं आपके जीवन में भक्ति का पौधा जब प्रकट हो तो सत्संग करते रहो। अगर सत्संग छोड़ दोगे तो कुतर्की लोग अपने तर्क के द्वारा तुम्हारे भक्ति के पौधे को खत्म कर देंगे। और भक्ति के पौधे को बढ़ने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। जब पौधा छोटा होता है, बट वृक्ष हो चाहे पीपल का वृक्ष हो, जब तक वो छोटा है तब तक उसको पानी देने की जरूरत है। पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी से स्वयं पानी अवशोषित करेगा, लेकिन जब तक छोटा है तब तक उसे पानी देना पड़ेगा। तो ये भक्ति का पौधा हमारे हृदय में प्रकट हुआ, इसको सींचना पड़ेगा। किस चीज से सींचना पड़ेगा, बोले बारिदय विचार, सुंदर विचारों के जल से इसको सींचते रहो। और सत्संग के जल से इसे सींचते रहो, और बारिदे विचार, सुंदर विचारों का बेड़ा लगाओ। जैसे पेड़ जब छोटा होता है तो कहीं बकरी उसको चर न जाए तो क्या करते हैं, बोले उसके चारों तरफ कांटा ओंटा रख देते हैं, कुछ घेरा बना देते हैं जिससे उसको बढ़ने में सुविधा हो, कोई बकरी उसे चरने न पाए। तो विचारों के बेड़े से उस भक्ति के वृक्ष को हम सुरक्षित करें और सत्संग के जल से उसको हम सींचते रहे, तब वो वृक्ष आगे बढ़ता है। भक्ति तरु पौधाता ही विघ्न डर थेरी उको, भक्ति तरु पौधाता ही विघ्न डर थेरी उको, बारी दे विचार बारे सींचो सत्संग सो, बारी दे विचार बारे सींचो सत्संग सो। लागे उबड़ने गोदा चहू दिस करण सो, लागे उबड़ने गोदा चहू दिस करण सो, चलन आकाश यस फैलो बहु रंग सो, चलन आकाश यस फैलो बहु रंग सो। संत और आल माल सोबित विशाल छाया, संत और आल माल सोबित विशाल छाया, किए जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो, जीव जाल जाल ताप गयो यो प्रसंग सो। वृक्ष अब बढ़ने लगा, क्यों, बोले आपने विचारों के बेड़े से उसको सुरक्षित किया, बकरियों से बचा लिया और सत्संग के जल से सींचा, अब वो वृक्ष बड़ा होने लगा।
जब वृक्ष हो भक्ति का वृक्ष बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया कि अब बकरी की चिंता नहीं रही, अब बकरी का मुंह वहां तक नहीं पहुंचे, बड़ा हो गया। अब बकरी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अब बड़े पशुओं से डर है। कोई भैंसा आ गया, कोई सांड आ गया, पीठ से रगड़ करके उस वृक्ष को तोड़ देगा। क्यों? बोले अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। बोले तब क्या करें? बोले संत उर आल बाल शोभित विशाल। संतों के बीच में अपनी भक्ति को संभालो, संतों का संग कर, संत ही आल बाल बन जाए। आल बाल माने पौधे को सिंचित करने के लिए, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए जो नीचे थाला बनाया जाता है उसी को आल बाल कहते हैं। तो संतों का आल बाल, संतों के घेरे में रहो, संतों के मध्य में रहने का प्रयास करो। तब बोले तब वो बड़े बड़े सांड और भैंसों से बच जाओ। ये सांड भैंसे कौन है? बोले बड़े बड़े कुतर्की, बड़े बड़े नास्तिक, जो थोड़ा ऊंचे स्तर का तर्क करते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना, जिसको देखो वही बोल रहा है। क्या कुतर्क? बोले हनुमान जी की भक्ति करने से क्या होगा, कितनी झूठी बात है, कितनी बड़ी गप है, इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य और उसको हनुमान निगल गए, ऐसा कैसे हो सकता? विज्ञान इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वैज्ञानिक नास्तिक, वैज्ञानिक दृष्टि से नास्तिक लोग जो हैं, ऐसे बड़े बड़े नास्तिकों से बचने की आवश्यकता। और बड़े बड़े नास्तिकों से, कुतर्कियों से बचने के लिए बड़े बड़े विद्वान तार्किक संतों का सत्संग जीवन में करना। ऐसे संतों के संग से आप सुरक्षित रहो। और उसका परिणाम क्या होगा? प्रियादास जी कहते हैं धीरे धीरे वो भक्ति का वृक्ष जब विशाल हो जाएगा, तब बोले तब अब बकरी की भी चिंता नहीं है, भैंसे की भी चिंता नहीं है, सांड की भी चिंता नहीं, कोई पशु उसे तोड़ नहीं सकता। यहां तक कि पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा पशु जो हाथी है, उस हाथी को भी जंजीर लगा करके लोग उस पेड़ की जड़ में बांध देंगे तो वह भी चुपचाप खड़ा रहेगा, वो भी हिल नहीं सकता। बड़े बड़े हाथी बांध दिए जाएंगे और वो हाथी झूमते रहेंगे और पेड़ की छाया उन्हें प्राप्त होगी, लेकिन वो हाथी भी उस वृक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखो बड़वारी जाए, देखो बड़वारी जाए, आजाओ कि शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीत जंग सो। देखो बड़वारी जाए, आजाओ कि शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीत जंग सो। प्रियादास जी कहते हैं देखो बड़वारी जाए, अजाहू की शंका होती है। जिस वृक्ष को बकरी से भय था, अजा से भय था, अजा माने बकरी, बकरी चर जाएगी इसकी चिंता थी, आज उस वृक्ष की क्या स्थिति है? बोले वो पेड़ इतना विशाल हो गया कि झूमे हाथी जीते जंग सो, बड़े बड़े जंग को जीत लेने वाले हाथी भी उसके नीचे बांध दिए जाते हैं और वो हिल नहीं पाते और वो खड़े रहते। तो भक्ति के इस वृक्ष को सत्संग के जल से सींच करके हम आगे बढ़ावें। प्रियादास जी महाराज कहते हैं अपनी टीका में कि श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की जब रचना की तो मंगलाचरण में पहले तो चार की वंदना की, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। फिर श्री नाभादास जी ने सोचा ये चार की वंदना करने के जगह पर दो की ही वंदना कर ली जाए। किन दो की? कहते हैं संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर कहे हरि कहे हरिदास। दो की वंदना में सबकी वंदना हो जाए, एक भगवान,
एक भगवान के भक्त। भगवान के भक्त के अंदर भक्ति विद्यमान है और गुरु तत्व भी भगवान का भक्त ही होता है और दूसरे तत्व भगवान। तो भक्त भगवान दो में ही चारों आ गए। कौन कौन? बोले भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चारों दो में समाहित हो गए। किसमें समाहित हो गए? बोले भक्त में और भगवान में। फिर आगे श्री नाभादास जी कहते, मेरे गुरुदेव ने तो आज्ञा दी केवल भगवान के भक्तों का गुणगान करो। क्यों? बोले भक्तों के गुणगान में चारों की महिमा प्रकट हो जाए। क्यों? बोले भक्त के अंदर ही भक्ति होती है, भक्त के हृदय में ही भगवान होते हैं और गुरु भी कोई भक्त ही होता है भगवान का, वो भक्त से अलग नहीं है। इसलिए भक्ति भगवंत गुरु और भक्त, ये चारों एक में ही मिल जाएंगे। किसमें? बोले भक्त में। इसलिए नाभादास जी कहते हैं कि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। श्री नाभादास जी श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में कहते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री अग्रदेवदास जी महाराज ने आज्ञा दी है कि संतों के जस को गाओ, संतन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। भवसागर से पार जाने का कोई और उपाय नहीं है, संतों के चरित्र को गाओ। और अपने गुरु की आज्ञा मान करके श्री नाभादास जी ने संतों के चरित्र का गान किया। नाभादास जी के गुरु श्री अग्रदेवदास जी महाराज, जो कि श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हैं अग्रदेवदास जी महाराज, और श्री संप्रदाय की पवित्र परंपरा में चार संप्रदाय हैं वैष्णव के, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। वैष्णव भक्ति के चार संप्रदाय। श्री संप्रदाय माने श्री जी के द्वारा जो संप्रदाय आगे चला उस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय। ब्रह्मा जी के द्वारा जो संप्रदाय प्रवर्तित हुआ वो ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिकों के द्वारा जो संप्रदाय प्रवर्तित हुआ वो सनकादि संप्रदाय, और भगवान शंकर के द्वारा, रुद्र के द्वारा जो भक्ति का संप्रदाय प्रवर्तित हुआ उसका नाम रुद्र संप्रदाय। भगवान नारायण ने इन चारों को मंत्रोपदेश दिया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को मंत्र दिया, फिर लक्ष्मी जी ने उस मंत्र को देकर के आगे जो बढ़ाया उस परंपरा का नाम श्री संप्रदाय, क्योंकि श्री जी प्रथम दीक्षित होकर भगवान के द्वारा मंत्र को प्राप्त करके परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, इसलिए इस परंपरा का नाम श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, ये श्री संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय, भगवान ने ब्रह्मा जी को मंत्र का उपदेश किया और फिर ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को मंत्र दिया, वो परंपरा जो चली उस परंपरा में आगे चल करके इस कलयुग में श्री माध्व मुनि हुए, जिनको मध्वाचार्य कहा जाता है, जिनकी मूल पीठ उडपी में है कर्नाटका में, और उन्हीं की परंपरा से जो शाखा निकली माध्व गौड़ेश्वर परंपरा, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा हम लोग कहते हैं गौड़ीय वैष्णव, ये माध्व संप्रदाय की परंपरा का ही एक भाग है, एक शाखा। और भगवान ने शंकर जी को मंत्र दिया, रुद्र को, और रुद्र के द्वारा जो परंपरा चली भक्ति मार्ग की उस परंपरा में आगे चल करके श्री विष्णु स्वामी हुए, और विष्णु स्वामी जी की परंपरा में आगे श्री बिल्व मंगल जी इत्यादि महान भक्त हुए, और उसी परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी महाराज, वह परंपरा जो है वो रुद्र संप्रदाय की परंपरा, उसी को पुष्टि मार्ग कहते हैं।
और चौथी परंपरा सनकादि परंपरा। भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को मंत्रोपदेश दिया और सनकादिकों से वो परंपरा जो चली उसी परंपरा में श्री निम्बारकाचार्य महाप्रभु हुए, जिनके द्वारा वैष्णव भक्ति का मार्ग प्रवर्तित हुआ। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है वो सनकादि संप्रदाय। श्री ब्रह्मरुद्र सनकाह चत्वारह संप्रदाय, ये चार संप्रदाय, इसी को चार संप्रदाय कहते हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। और जो जिस संप्रदाय में दीक्षित हो उस संप्रदाय की परिपाटी के अनुकूल ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी भक्ति में सफलता हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जब कलयुग के धर्म का वर्णन करते हैं वेद व्यास जी महाराज, तो वहां पर कहते हैं कलयुग जब आएगा तो घोर कलयुग आने पर लोग नास्तिक हो जाएंगे, ब्राह्मण लोग भी वेद विक्रयी हो जाएंगे, शिव शूला द्विजातयः शिवो वेदः, ये ब्राह्मण वेद विक्रयी बन जाएंगे, वेद मंत्र का केवल वहीं उपयोग करेंगे जहां दक्षिणा मिले, अपने जीवन में उसका उपयोग उनके जीवन में नहीं होगा, स्त्रियां बोले स्त्रियां कामिन्याह केश शूलिन्याह, केश ही उनका एक श्रृंगार रह जाएगा, बाल के ही श्रृंगार में ही सारा श्रृंगार समाहित हो जाएगा, सौभाग्य के चिन्ह मिट जाएंगे और केवल केशों को सवारना और केशों की विविध श्रृंगार में ही अपनी पूर्णता मान लेना, ये नारियों का धर्म हो जाएगा। कलयुग के दोष का जहां वर्णन किया ये सब वेद व्यास जी ने कहा, वहां पर उसी प्रसंग में यह भी कहा कि घोर कलयुग जब आएगा तो लोग संप्रदाय के अनुकूल भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, मनमानी भक्ति करने लगेंगे। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय के अनुकूल भक्ति लोगों के अंदर नहीं दिखाई पड़ेगी। आज यही है, दीक्षित तो लोग संप्रदाय में हो जाते हैं लेकिन संप्रदाय का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार भगवान की भक्ति नहीं करते, मनमाना तिलक लगाएंगे, मनमाने ढंग से देवी देवताओं का समर्चन करेंगे, जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत को मानकर उस भावना से भगवान की उपासना करना ये कलयुग में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी सफलता नहीं मिल पाती, लोग चूक जाते हैं। इसलिए वैष्णव भक्ति में अपने अपने आचार्यों की परंपरा के अनुकूल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब भक्त हैं, सभी भक्त आदरणीय हैं, लेकिन हमारे लिए अनुकरणीय कौन है, बोले हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल हम अनुकरण करें, यह सिद्धांत है। तो ये चार संप्रदाय भगवान ने इसीलिए बनाए और इस चार संप्रदाय की परंपरा से जब भक्ति प्राप्त होती है तो वह भक्ति कल्याणकारिणी होती है। किस प्रकार से, बोले जैसे गाय के चार स्तन होते हैं और उन चार स्तन में जो नैसर्गिक छिद्र है उस नैसर्गिक छिद्र से ही दूध प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति का रस इन चार सिद्ध संप्रदायों के मार्ग से ही हमें प्राप्त होगा। अगर कोई सोचे कि हम पांचवां छिद्र अपने मन से बना लें उसमें से भी दूध निकलेगा, बोले पांचवां छिद्र तुम बनाओगे तो दूध नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। दूध तो उन्हीं चार छिद्रों से प्राप्त होगा जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, अनादिकाल से। उसी प्रकार चार संप्रदाय जो है उन चार संप्रदायों की परंपरा से जो भक्ति प्राप्त होगी वही शुद्ध भक्ति होगी और वही भक्ति रस आपका कल्याण करेगा। इसलिए मनमानी भक्ति नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो कहते हैं पांचरात्र शास्त्र में भी कहा कि ऐसी मनमुखी भक्ति जो होती है
उत्पातायोपकल्पते, वह उत्पात को उत्पन्न करती है। उस भक्ति से जीवन में शांति और सुख नहीं मिलता। तो स्त्री संप्रदाय की परंपरा में श्री अग्रदेवदास जी महाराज, अग्रदेवदास जी के शिष्य श्री नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना, ये सब भक्तमाल है। आप कहोगे अभी तो भक्तमाल ही कहीं शुरू हुई नहीं, अभी तो केवल स्वामी जी यही सब बता रहे हैं। अग्रदेवदास जी भी तो भगवान के भक्त हैं, नाभादास जी भक्त हैं, इनका भी जीवन चरित्र यही तो भक्तमाल है। अग्रदेवदास जी, श्री नाभादास जी के जो गुरुदेव हैं, यह भी श्रृंगार भाव के उपासक, श्रृंगार भाव से भगवान की उपासना। और ये अग्रदेवदास कौन है? बोले ये श्री जानकी जी की सहचरी है, किशोरी जी की सखी है, जिनका वर्णन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ये सखी कौन है? बोले पुष्प वाटिका में किशोरी जी जब पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं, तो वहां अग्र सखी का वर्णन होता है। जिस सखी को लेकर किशोरी जी पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं, वो सखी आगे आगे चलती है, प्रधान सखी है, इसलिए भी अग्र सखी, चली अग्रलय। वही अग्र सखी अग्रदेवदास जी महाराज, किशोरी जी की सखी है, श्रृंगार भाव की उपासना है। वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लख न कोई, 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 चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, चली अग्र कर प्रिय। ये अग्र सखी जो है किशोरी जी की अत्यंत प्रिय सहचरी, और यही अग्र सखी ही श्री अग्रदेव दास जी महाराज हैं। श्रृंगार भाव की इनकी उपासना। श्री अग्रदेव दास जी ने आज्ञा दी, तुम भगवान के यश का गान करो, और ये आज्ञा गुरु जी ने कब दी? कहते हैं ये श्री नाभादास जी महाराज जो हैं, जो भक्तमाल के रचनाकार हैं, इनका जन्म हनुमान वंश में हुआ। हनुमान वंश कहते हैं, दक्षिण भारत में कोई ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं, तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी महाराज की भक्ति की। हनुमान जी की जब भक्ति की तो हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन ब्राह्मण दंपति ने कहा, मुझे संतान की प्राप्ति हो ऐसी कृपा करो। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग तो नहीं है, लेकिन मैं ही पुत्र बन करके आ जाऊंगा और तुम्हारा वंश आगे चल पड़ेगा। तो हनुमान जी ही उन दंपति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पुत्र बने। तो हनुमान जी पुत्र बन करके आए, इसलिए उन ब्राह्मण के वंश का नाम ही हनुमान वंश हुआ। उसी वंश में श्री नाभादास जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में। और श्री नाभादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, जन्म से अंधे थे, इनके आंख ही नहीं थी। आंख की जो जगह होती वो जगह भी नहीं थी बराबर श्री नाभादास।
पांच वर्ष के जब ये हुए तो भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे और उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। अपने प्राण की रक्षा करना ही कठिन हो गया था, तो उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। और जंगल में जब छोड़ दिया तो अकेले अंधे पांच वर्ष के बालक श्री नाभादास जी रो रहे थे बैठे। उसी समय श्री अग्र देवदास जी महाराज और श्री कील देवदास जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई, दोनों महात्मा विचरण करते हुए उस जंगल में कहीं से पहुंच गए। इस विषय का परिचय देते हुए प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध, हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना तीन बात धारिए। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना तीन बात धारिए। उमरी बरस पाँच मालिक अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिए। उमर बरस पाँच मालिक अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिए। गिल ओ अगर ताही डगर तरस दियो, लियो यो अनाथ जाने पूछी हो चारियो। गिल ओ अगर ताही डगर तरस दियो, लियो यो अनाथ जाने पूछी सो चारिए। अग्रदेव दास जी और श्री कील देव जी, ये दोनों गुरु भाई श्री कृष्णदास पहारी जी के शिष्य, दोनों बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, ये दोनों विचरण करते हुए उस जंगल में आए। देखा पांच वर्ष के बालक को, दृगहीन बालक, दुखी, तो कील देव जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो पांच वर्ष के श्री नाभाजी ने कहा, आत्मा का कोई नाम नहीं होता और शरीर तो पांच भौतिक है, मैं कौन सा नाम बताऊं? कील देव जी चौंक गए, पांच वर्ष का बालक और इस प्रकार की बात करता। दूसरा प्रश्न पूछा, कहां से आए हो? तो नाभादास जी ने कहा, जहां से सब जीव आते हैं वहीं से मैं भी आया हूं, और कोई कहीं भी आता जाता है तो उसके कर्म ही उसको वहां तक ले जाते हैं, मेरा कर्म मुझे यहां लेकर के। इन सारी बातों को सुनकर श्री कील देव जी को अनुभव हुआ कि ये कोई दिव्यात्मा है, इसकी बातें बड़ी विलक्षण हैं और यह कोई पवित्र आत्मा है, अपने कर्म के परवश संसार में पैदा हुआ है, इसके द्वारा संसार में कोई बहुत बड़ा कर्म होने वाला है। यह सब जानकर श्री कील देव जी ने अग्रदेव जी को इशारा किया, इसे मंत्र दीक्षित कर दो और इसे साथ ले चलो। उसी समय श्री कील देव जी ने अपने कमंडल से जल लेकर नाभादास जी की आंखों पर छिड़का, जन्म से अंधे जो नाभादास जी थे उनकी दोनों आंखें प्रकट हो गई। कील देव जी का ऐसा दिव्य चमत्कार, बड़े सिद्ध कोटि के संत थे। बड़े सिद्ध जल लेकर मंडल सोची के जैन, चैन भयो फूले चक जोरी को लिहारिए। बड़े सिद्ध जल लेकर मंडल सोची के जैन, चैन भयो फूले चक जोरी को लिहारिए।
देवदास जी कहते हैं कि ये अग्रदेवदास जी और कील देवदास जी दोनों गुरु भाई बड़े सिद्ध थे महाराज। सिद्धि का चमत्कार था। कमंडल सो सींचे नयन, अपने कमंडल के जल से ज्यों ही आंखों पर छींटा दिया, नाभादास जी की दोनों आंखें खुल गई। सींचे नयन बयन भयो, खुले चख जोरी को निहार के। और ज्यों ही आंख खोली तो संतों की इस जोड़ी को देखा, अग्रदेवदास जी महाराज को और कीलदेव जी। धन्य है श्री नाभादास जी ने, जिन्होंने आंख खोली तो संसार का दर्शन नहीं हुआ, सर्वप्रथम इनको संत का दर्शन। संत का प्रथम दर्शन किया अपनी आंखों से, दुनिया तो बाद में देखी, पहले संतों को देखा। इसीलिए संतों के चरणों में नाभादास जी की अगाध श्रद्धा, इसी कारण से नाभादास जी ने संतों का चरित्र लिखा, भक्तमाल की रचना। फिर तो आंखें जब खुल गई, संतों को देखा, चरणों में गिर पड़े श्री नाभादास जी महाराज। पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए परी आंसू आए, संतों को देखा, नाभादास जी चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुपात होने लगा। इस दृश्य को देखकर कील देव जी को बड़ी दया आई और श्री कील देव जी ने अग्रदेव को, अपने गुरु भाई को आज्ञा दी, बोले इसे मंत्र दीक्षित कर दो, मंत्र सुना दो। तुरंत श्री अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र राज का उपदेश किया श्री नाभादास जी, श्री राम मंत्र का उपदेश किया, छह अक्षर का मंत्र, राम बीज और राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति रामाय और अंत में नमः, ये षडक्षर मंत्र बीज का, षडक्षर मंत्र का, राम मंत्र का उपदेश कर दिया, शरणागति करा दी, मंत्र की दीक्षा दी। मंत्र जब योग्य गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तभी वह मंत्र फलित होता है। अगर योग्य गुरु हैं और गुरु ने उस मंत्र की अपने जीवन में स्वयं साधना की है तब वह मंत्र आपके हृदय में जाएगा और तुरंत अंकुरित हो जाएगा, क्योंकि मंत्र ब्रह्म बीज है। ब्रह्म बीज ऐसे नहीं जमता है, वो परिपक्व हो तभी जमता है। जैसे ब्रह्म वृक्ष पीपल और बट है, पीपल बट पाकड़ गूलर ये ब्रह्म वृक्ष माने जाते हैं, इसीलिए पूजन में कलश में इन्हीं के पल्लव रखे जाते हैं ब्रह्म बीज। इस वृक्ष की विशेषता क्या होती है, बोले वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों बीज गिरता है लेकिन कभी पीपल के नीचे पीपल नहीं जमता, कभी बरगद के नीचे बरगद नहीं जमता, कभी गूलर वृक्ष के नीचे गूलर नहीं जमता, पाकड़ के नीचे पाकड़ नहीं जमता, आम के नीचे आम जम जाता है, जामुन के वृक्ष के नीचे जामुन जम जाती है उसका वृक्ष उग जाता है, लेकिन पीपल के नीचे पीपल बट के नीचे बट कभी नहीं जमता। जबकि लाखों करोड़ों बीज गिरते हैं, एक बीज जो दिखता है उसके अंदर हजारों बीज रहते हैं लेकिन एक भी पेड़ नहीं जमता। क्यों, बोले वो सब बीज कच्चे होते हैं, कच्चा बीज अंकुरित नहीं होता, वह बीज पके तब अंकुरित हो। पकेगा कैसे, बोले कोई पक्षी जब उसको अपनी जठराग्नि में पकाता है, कोई पक्षी उस बीज को खा करके अपने जठराग्नि में पेट की अग्नि में परिपक्व करता है, तब वह बीज
कहीं भी गिर जाए तो वह बीज जम जाता है, पत्थर पर गिरे तो वहां भी जम जाता है, खंडहर पर गिरे तो जम जाता है, ऐसे नहीं जमता। उसी प्रकार ये मंत्र ब्रह्म बीज है, ये सबके हृदय में ऐसे नहीं जमता। कोई पक्षी इसे अपने उदर में पहले पकावे, ये पक्षी कौन है? बोले संत, जो परमात्मा का पक्ष लेते हैं ऐसे पक्षी, जो माया का पक्ष छोड़ करके परमात्मा के पक्ष में रहते हैं। पक्षी का यही अर्थ है, पक्षी का दो अर्थ है, एक अर्थ तो जो किसी का पक्ष ले वो पक्षी, और पक्षी उसे कहते हैं जिसके दो पंख हो उसको पक्षी कहते हैं, और दोनों अर्थ संत में घटित हो। जो परमात्मा का पक्ष ले वो पक्षी, और जिसके दो पंख हो, दो पंख क्या बोले, ज्ञान और वैराग्य, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति ही, जैसे पक्षी आकाश में तभी उड़ता है जब उसके दो पंख हो, एक पंख कट जाए तब भी नहीं उड़ पाएगा, दोनों कट जाए तब भी नहीं उड़, दोनों पंख रहे तभी उड़ सकता। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख के द्वारा संत भी विचरण करते, ये ज्ञान वैराग्य ही वो पंख है। तो ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त भगवान का पक्ष लेने वाला कोई पक्षी, कोई संत, जब उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना के तप से उसे पकाता है, तब वह मंत्र बीज पत्थर हृदय में भी पड़ जाए तो अंकुरित हो जाए। इसीलिए संत लोग नीरस व्यक्ति को भी सरस बना देते, जिसके जीवन में भक्ति का लेश भी न हो, लेकिन ऐसे संत मिल जाएं जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके मंत्र को परिपक्व किया है, और वो मंत्रोपदेश कर दें तो उस पत्थर हृदय में भी भक्ति प्रकट हो जाती, वो जम जाता है, अन्यथा नहीं जमता। महाराज, ये ब्रह्म बीज भगवान का मंत्र, ये भक्ति का बीज, बीज में तीन विशेष, तीन दोष न हो तभी बीज जमता है, बीज कच्चा न हो, और बीज घुना न हो, और बीज भुना न हो। कोई भी बीज तभी जमता है जब वो पक्का हो और घुना न हो और भुना न हो। किसी बीज में घुन लग जाए तो वो भी बीज नहीं जमता, कच्चा हो तब भी नहीं जमता, और उसे भून दो तब भी नहीं जमता। कच्चा, घुना और भुना, तीन प्रकार के बीज नहीं जमते। तो ये मंत्र का बीज जो है, यह भी कच्चा न हो, घुना न हो और भुना न हो। कच्चा न हो इसका प्रमाण बोले साधक ने, आचार्य ने, संत ने उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना करके उसको परिपक्व किया हो, ये पकाना हो। और घुना न हो, जिसमें कामना का घुन न लगा हो। मंत्र तो बहुत से लोग दे देते हैं, बोले महाराज आओ हम मंत्र दीक्षा देंगे, लेकिन उनके उस मंत्र में कामना का घुन लगा हुआ है, कामना के घुन ने उस मंत्र के बीज को भीतर से खोखला कर दिया। क्या कामना का बीज है? बोले हमारे शिष्यों की फौज तैयार हो, हमारे शिष्यों की संख्या बढ़े, इस भावना से जो व्यक्ति मंत्रोपदेश करता है उसके अंदर कामना का बीज भरा, कामना के घुन ने उस मंत्र के बीज को भीतर से खोखला कर दिया, इसलिए वो भी भक्त के हृदय में जाकर के जमेगा नहीं, नहीं जमेगा। घुना न हो और भुना न हो। भुना माने मंत्र देने वाला व्यक्ति अपने अहंकार और दंभ की अग्नि में अगर मंत्र को भून दिया है तो वह भुना हुआ बीज भी नहीं जमेगा। जिसके अंदर विनम्रता हो, त्याग हो, सरलता हो, ऐसे महापुरुष के द्वारा जब मंत्र प्राप्त होता है तभी वह मंत्र हृदय में अंकुरित होता है। तो घुना न हो, भुना न हो, कच्चा न हो,
साधना के द्वारा साधक ने उस मंत्र की उपासना करके स्वयं अनुष्ठान करके उसे अपने जीवन में साधा हो, तब उस मंत्र का वह उपदेश करता है तो भक्त के हृदय में वह मंत्र अंकुरित हो जाता है, भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्रदेवदास जी ऐसे ही महापुरुष संत, उनके गुरु भाई कीलदेव जी ने आज्ञा दी, नहीं तो कीलदेवदास जी बड़े गुरु भाई थे, अग्रदेव जी छोटे थे। कीलदेव जी सोचते मैं ही अपना चेला बना लूं इसको, लेकिन वहां चेला बनाने की होड़ नहीं थी कि कोई हमारा चेला बन जाएगा तो हमारा अनुयायी बढ़ेगा। यहां तो गुरु भाई में ही झगड़ा होता है कि शिष्य समाज हमारा, वो कहता है शिष्य समाज हमारा। ये साधु समाज में आने के बाद भी शिष्य समाज को लेकर के लड़ाई होती है, बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, व्यक्ति घर छोड़ करके साधु बनता है लेकिन ये माया दूसरे रूप में आकर के पकड़ लेती है। वहां घर की माया छूटी तो मठ मंदिर की माया ने पकड़ लिया, वही बिल्डिंग वही पत्थर वही ईंटा, वहां की माया छोड़ी तो वो माया दूसरे रूप में ईंटा पत्थर के रूप में बिल्डिंग महंती के रूप में आ गई, इस माया ने पकड़। वहां परिवार छोड़ा, भाई बंधु को छोड़ा, उनके प्रति जो हमारा मोह था वो छूटा, लेकिन यहां आकर के शिष्य प्रशिष्य में मोह हो गया, ये मेरा चेला ये मेरा चेला। वहां आस पड़ोस के लोगों से प्रतिस्पर्धा थी, सब कुछ छोड़ करके आने के बाद साधु समाज में साधुओं की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो गई, वो महंत तो हम श्री महंत, वो श्री महंत तो हम महामंडलेश्वर, वो महामंडलेश्वर बोले तो हम जगत गुरु, वो जगत गुरु बोले तो हम ब्रह्मांड गुरु, बोले वो ब्रह्मांड गुरु तो हम विश्व गुरु। ये सब सारी बातें क्यों? वास्तव में भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ये बड़े बड़े को मोहित कर देती। शिव विरंच कह मोह ही को है बपुरा आन, ये ब्रह्मा शंकर को भी मोह में डालते। संत समाज में आने के बाद भी सावधान न रहे व्यक्ति तो माया किस रूप में उसको पकड़ती है पता ही नहीं चलता। लेकिन श्री कील देवदास जी महाराज अग्रदेवदास जी से कहते हैं आप इनको मंत्र दे दो। बड़े गुरु भाई हैं कीलदेव जी, अग्रदेवदास जी छोटे गुरु भाई, लेकिन छोटे गुरु भाई को कहा आप ही मंत्र दे करके इसको दीक्षित कर दो। मंत्र दीक्षा दी, अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र सुनाया और मंत्र देने के बाद सेवा बताई। खाली गुरु जी से कान में मंत्र ले लो और कोई सेवा कोई कैंकर्य आपको प्राप्त नहीं हुआ तो भक्ति की साधना आगे नहीं बढ़ पाती। पहले जब मंत्र दीक्षा होती, संत लोग दीक्षा देते तो कोई न कोई सेवा बताते थे, भगवान की तुम ये सेवा करो, फूल की सेवा तुम्हारी, अमुक सेवा तुम्हारी। अरे हमारे यहां ही वो सेवा नहीं, जहां भी तुम रहो ये सेवा तुम सदा भगवान की करो, पुष्प की सेवा, तुलसी की सेवा, श्रृंगार की सेवा, भोग की सेवा, कोई सेवा करो। सेवा से ही भक्ति बढ़ती है। श्री गुरु जी ने सेवा बताई और गुरु जी ने क्या सेवा बताई? बोले नाभादास जी को, 5 वर्ष के बालक को मंत्र दीक्षा देकर के अग्रदेवदास जी अपने साथ लेकर के आ गए। कहां पर? बोले जयपुर। जयपुर के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है गालवाश्रम, जिसको गलता गद्दी कहते हैं, गलता पीठ, उसी का नाम गालवाश्रम। महर्षि गालो का वो आश्रम, वहां पर गालो महर्षि ने तप किया। बड़ा ही सुंदर पवित्र क्षेत्र है और वहां बड़ा सुंदर सरोवर है, दिव्य स्थान। वहीं पर श्री अग्रदेवदास जी महाराज विराजते थे गलता में। वहीं गलता आश्रम में लेकर के आए और नाभादास जी को सेवा बताई। बोले क्या सेवा? बोले संतों की सेवा करो। वहां गलता आश्रम में
जो संत आवे उनकी सेवा में नाभादास जी को लगा दिया। गलते प्रकट साधु सेवा सो विराज मान ज्ञानी उन मान्यता ही टहल लगायो है। गलते प्रकट साधु सेवा सो विराज मान ज्ञानी उन मान्यता ही टहल लगायो है। चरण प्रचाल संत सीत सो अनंत प्रीति ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रचार संत सीत सो अनंत प्रीति ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रचार संत गलता में लेकर के आए नाभादास जी को और अग्रदेवदास जी ने सेवा बता दी, संतों की सेवा करो, भगवान की सेवा से बढ़कर संतों की सेवा की महिमा। संतों की सेवा में लगाया और श्री नाभादास जी महाराज संतों की टहल करने लगे सेवा करने। आज तो महाराज किसी को सेवा बताओ तो तुरंत अपना बुरिया बिस्तर बांध लेता हमारा। पहले संतों के आश्रम में कोई आवे, साधु बने, महात्मा बने, विरक्त हो जाए तो संत उनको सेवा देते थे। अब विरक्त बन गए, अब तुम्हारा जीवन भगवान के लिए है, संतों के लिए, अब तुम ये सेवा करो। लेकिन आज की समय की स्थिति ये है महाराज कि अगर कोई आवे आश्रम में साधु महात्मा बन जाए और उसे सेवा बता दो तो दूसरे दिन ही वो अपना झोला बांध करके विदा हो जाता। कहता महाराज जब सेवा ही करना था तो घर छोड़ के क्यों आए। बोले क्यों घर छोड़ करके आए। बोले घर छोड़ करके श्रद्धा से नहीं आए, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, घर में अनुकूलता नहीं बनी तब बाबा जी के मठ का रास्ता पकड़ा, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर और बाबा ने बताया काम तो बोले महाराज हम तो रमते राम, हम तो घूमने वाले साधु, झोला बांधा चल दिया। आज कैंकर्य की निष्ठा नहीं रह गई, आश्रम में कोई सेवा बता दो तो दो दिन सेवा होगी, तीसरे दिन व्यक्ति झोला बांध लेगा और कहेगा महाराज बहुत जरूरी काम है, फोन आया है, जाना है। तो बोले कुछ करना ना, जब तक आश्रम में रहकर मठ में रहकर संतों की सेवा भगवान की सेवा और कैंकर्य जीव नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि नहीं होती। और सच पूछो तो वैष्णव भक्ति में भगवान की सेवा ही मुक्ति है, मोक्ष है। मरने के बाद कोई मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, वो विषय ठीक है। लेकिन वैष्णवाचार्य हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य करने में आनंद की अनुभूति होने लग जाए, इसी का नाम मुक्ति है। सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के कैंकर्य में, भगवान की सेवा में स्वयं को आनंद की अनुभूति होने लग जाए, इसी को हमारे वैष्णवाचार्यों ने मुक्ति माना है। और ये कैसी मुक्ति है? बोले विलक्षण मुक्ति। शरीर रहते हुए मुक्ति का आनंद पा लेना, जिसको कहा जाता जीवन मुक्त। जीवन में रहते हुए हम मुक्ति का अनुभव कर लें। क्यों? बोले भगवान के कैंकर्य में, सेवा में सुख मिलने लग जाए। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में यही कहा जाता है, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राज। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, जिन्होंने कैंकर्य को ही विलक्षण मोक्ष माना, विलक्षण मोक्ष, जो मोक्ष है वैकुंठ को प्राप्त कर लेना मोक्ष, ब्रह्म भाव को, सायुज्य भाव को प्राप्त कर लेना मोक्ष। मोक्ष के जो चार भेद बताए, सायुज्य सामीप्य सालोक्य सारष्टि, चार प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना, जैसे एक बूंद पानी लेकर के आप जाओ और समुद्र में डाल दो, अब वो बूंद कहाँ गई? समुद्र हो गई। अब उस बूंद को कोई खोज नहीं सकता, कोई दुनिया का वैज्ञानिक उस बूंद को नहीं खोज सकता, वो तो गई, अब समुद्र बन गई वो। जिस प्रकार एक बिंदु सिंधु में पड़कर सिंधु बन गया, उसी प्रकार यह जीव जो स्फुलिंग है, माने चिंगारी के समान है, यह जीव उस अनंत परमात्मा में विलीन हो गया। इसका नाम सायुज्य मुक्ति, सायुज्य उसी में मिल गया। दूसरी मुक्ति सामीप्य, भगवान की अत्यंत समीपता को प्राप्त कर लेना। जो प्रेम भाव से भगवान की उपासना करते हैं, उनका भाव होता हम भगवान के समीप में रहें, तो भगवान उनको अपने बहुत समीप में रखते हैं। वे मुक्तात्मा कौन है? बोले वो मुक्तात्मा भगवान के आभूषण और श्रृंगार बनकर के सदा भगवान के समीप रहते हैं। भगवान के कान का कुंडल, वो कान का कुंडल कोई सोना चांदी और किसी धातु और किसी नग का बना हुआ थोड़ी। वो कान का कुंडल क्या है? बोले भगवान के कान का कुंडल कोई दिव्य जीवात्मा भगवान का परम भक्त है, जो भगवान के अत्यंत समीपता को चाहता था, भगवान अपने कानों में उसको धारण किए हुए हैं, जब चाहे वो भगवान के कपोल का चुंबन करता रहता, वो सामीप्य मुक्ति। भगवान के गले की माला का वर्णन तो आपने सुनाई, ये माला क्या है? बोले सारे भक्त हैं, कौस्तुभ मणि भगवान के सब भक्त हैं। तो सामीप्य मुक्ति, भगवान के अत्यंत समीपता को प्राप्त कर लेना। भगवान का जो पीतांबर है, वह पीतांबर भी कोई भक्त ही है। भगवान के पैर की जो पैजन है, उस पैजन के जितने नूपुर हैं, वो भी सब भगवान के भक्त हैं। भगवान के चरणों में लगी हुई महावर जो अंगराग है, उस महावर के एक एक कण, उस महावर के राग के एक एक कण किसी अनुरागी भक्त का ही स्वरूप है। ऐसी मुक्ति चाहने वाले सामीप्य मुक्ति। और एक सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति माने भगवान के लोक में जाकर के निवास करना। बैकुंठ में एक फ्लैट आपको मिल जाए बढ़िया, और उसी में आनंद से रहने को मिले। कहते महाराज बैकुंठ वास हो गया, साकेत वास हो गया, तो वहां भी अपना एक फ्लैट लेकर लेकर के आप भगवान ही देंगे, आप तो ले नहीं सकते, और वहां आपको जगह मिल गई, अब सदा वहीं रहो, जब चाहो अपना आराम करो, आनंद करो, जब मन करे भगवान से मिलो, बातें करो, दर्शन करो। ये सालोक्य मुक्ति।
और सारष्टि मुक्ति। सारष्टि मुक्ति माने मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, भगवान की आज्ञा से भगवान की सृष्टि में सहयोग करने के लिए, इसको सारष्टि मुक्ति कहते हैं। अब कोई जीवात्मा मुक्त हुआ, भगवान ने कहा देखो अब तुम्हें मुक्ति तो मिल गई, अब तुम संसार बंधन में नहीं रहोगे, लेकिन संसार में मैं तुमको भेजूंगा। बोले किस काम के लिए? बोले तुमको मैं कुबेर बना के भेजूंगा, तुमको मैं ब्रह्मा बना के भेजूंगा, तुमको सूर्य बना करके भेजूंगा, ये सब सृष्टि का काम करना है। तो भगवान के ही परम भक्त लोग ही सृष्टि के इस कार्य को संचालित करने के लिए भगवान के द्वारा प्रेषित होते हैं, लेकिन ये बंधन में नहीं होते, संसार में रहते हैं, लेकिन इनको संसार का बंधन नहीं होता। किस प्रकार से? बोले जैसे जेल के अंदर जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर को जो है बंधन का अनुभव नहीं होता, लेकिन उसी जेल में रहने वाले कैदी बंधन का अनुभव करते, वो तो जेल का व्यवस्थापक बना रहता, उसे कैदी होने का या बंधे होने का अनुभव नहीं होता, जबकि वो जेल के अंदर उसी चार दीवाली में बैठता है। उसी प्रकार सारष्टि मुक्ति के जो प्राणी हैं, जिनको मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भगवान की आज्ञा से सृष्टि में विविध कार्यों के लिए भगवान उनको भेजते हैं, और वो कार्य करते हैं, जब मन करता आते हैं, जब मन करता चले जाते हैं। जैसे जेलर जब चाहे जेल में चला जाए, गेट खुल जाएगा, और जब चाहे तब निकल भी जाए, उसको कोई बंधन नहीं। उसी प्रकार ऐसे भक्त संसार में आते हैं, विविध कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये तो चार मुक्ति भाई, सायुज्य सामीप्य सालोक के सारष्टि। लेकिन इससे भी एक विलक्षण मुक्ति का अनुभव जो हमारे आचार्यों ने किया, वो मुक्ति क्या है? बोले कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, भगवान के कैंकर्य में आनंद की अनुभूति हो, भगवान की सेवा करके हमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए, वह आनंद ही मुक्ति का स्वरूप है। इसीलिए वैष्णव सिद्धांत में, वैष्णव समाज में भगवान की सेवा और भगवान के कैंकर्य का बहुत बड़ा महत्व। हमारे यहां जप तप का बहुत बड़ा महत्व नहीं। गुरुजी ने जिस दिन मंत्र दे दिया, वो मंत्र स्वतः सिद्ध है, अनादिकाल से अनेक महापुरुषों के द्वारा अनुष्ठित वो मंत्र स्वतः सिद्ध है, आपको प्राप्त हो गया। अब उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आप तो उसे धारण करो, अब भगवान के कैंकर्य में लगकर उस मोक्ष का अनुभव करो। इसीलिए हमारे यहां कैंकर्य की, भगवान के सेवा की ही महत्ता, और विशेष करके हमारे यहां श्री संप्रदाय में तो आपने देखा होगा कि श्री संप्रदाय के महात्मा लोग अक्सर अपने कंधे के उत्तरीय वस्त्र को कमर में बांधे रहते हैं। मठ मंदिरों में जब जाओ तो बांधे रहते हैं। अब जो लोग उस भाव को नहीं समझते, वो नए नए महात्मा आते हैं तो वो सब नकल करते हैं, वैसे ही देख करके बांधने का प्रयास करते हैं, और बांध करके बढ़िया चौड़े कोर की धोती दिखाते हुए शौक बनाते हैं। लेकिन यथार्थ में उसका भाव ये है कि हम बद्ध परिकर होकर कमर को कस करके बांध करके भगवान की सेवा के लिए तैयार है, भाव ये होता, कटिबद्ध होकर भगवान के कैंकर्य के लिए हम तैयार हैं। वो केवल फैशन नहीं है, अब तो ऐसा फैशन चला महाराज, वो दक्षिण भारत वाली जो चौड़े कोर की धोती मिलती, उसका किनारा काट करके बढ़िया पट्टा बना करके, उसमें चैन लगा करके, उसमें मोबाइल वोबाइल रखने की जगह भी बन जाती है, और आजकल उसी को लोग बांध लेते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसे फैशन है, इसी प्रकार रहना चाहिए। यथार्थ में भाव ये है कि कमर को कसकर कटिबद्ध होकर, लोग कहते महाराज हमने कमर कस लिया, आप एकदम तैयार हैं, उसी प्रकार भगवान की सेवा के लिए कमर कस के तैयार रखना, तैयार रहना, ये कैंकर्य का भाव है। तो वैष्णव होने के बाद भगवान का कैंकर्य करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, कोई न कोई सेवा करो, और कोई सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती। मंदिर में अगर झाड़ू लगाने की भी सेवा आपको मिल गई तो आप अपना सौभाग्य समझो, मुझे भगवान के सेवा में झाड़ू की सेवा मिली, इसीलिए उसको झाड़ू नहीं कहते, सोहनी की सेवा। क्या सेवा मिली? सोहनी की सेवा, उसका नाम भी सोहनी है। बोले वो सोहनी है, बोले झाड़ू और सोहनी में अंतर क्या है? बोले जो दूसरे के घर में झाड़ू जो चलती है वो तो झाड़ू है, लेकिन ठाकुर के यहां जो चलती वो तो सोहनी है। उसका भी सौभाग्य है कि भगवान की सेवा में हुआ, भले वो जड़ है,
ये भावनाएं, भक्ति तो भावना मूलक है। आपकी भावना कितनी उत्कृष्ट और कितनी परिमार्जित और कितनी निर्मल हुई, यही भक्ति का स्वरूप। तो झाड़ू की सेवा, सोहनी की सेवा, कोई सेवा मिल जाए भगवान के मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा मिल जाए, तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। श्री अग्रदेवदास जी ने नाभादास जी को सेवा दी, संतों की सेवा, बोले संतों की सेवा करो। संत आवे तो उनके चरण को धोने की सेवा, उनका चरण प्रक्षालन करो, फिर उनको प्रसाद पवाओ, संत भूखे न रहे, संत को भोजन पवाओ। और जब संत लोग भोजन कर लेते तो श्री नाभादास जी महाराज उन संतों की जूठी प्रसादी जो बच जाती है उसी को श्री नाभादास जी महाराज पा लेते। प्रियादास जी कहते हैं, चरण प्रछाले संत सीत सो अनंत प्रीति जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रछाले संत सीत सो अनंत प्रीति जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रछाले संत, संतों का चरण प्रक्षालन करते, उन्हें भोजन कराते, फिर उनकी जूठी प्रसादी ही नाभादास जी महाराज ग्रहण कर लेते। संत के उच्छिष्ट सेवन से, संतों की सीथ प्रसादी के सेवन से जीवन का कलमश दूर हो जाता। भागवत में कथा है, श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जब बताते हैं, किसको? श्री वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर खेद खिन्न होकर बैठे थे। नारद जी आए, नारद जी ने व्यास जी से पूछा, आप दुखी क्यों हो? व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण और महाभारत बनाया लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, लगता है कुछ और मुझे करना चाहिए लेकिन मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आता। तब नारद जी ने कहा, आप भगवान के चरित्र का गान करो, भागवत की रचना करो। भागवत क्या है? बोले भागवत भी भक्तमाल ही है, समझो। हाँ, भागवत पुराण। भागवत पुराण का मतलब क्या? बोले भागवत माने भगवान, और भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कहा जाता है भागवत। भागवत माने भगवान के भक्त, और भागवता नाम पुराण, भगवान के भक्तों का जो पुराण है, जिस पुराण में भगवान के भक्तों की चर्चा विशेष रूप से की गई उस पुराण का नाम भागवत पुराण। तो भागवत भी एक प्रकार से भक्तमाल ही है। कितने भक्तों की कथा है? ध्रुव की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, गोपियों की कथा है, नारद जी की कथा है, सनकादिकों की कथा है, अजामिल की कथा है, वृत्रासुर की कथा है, कितने भक्तों की कथा, नव योगेश्वर की कथा है, यही तो भक्तमाल है। भक्तों का चरित्र ही तो भक्तों की माला है। तो भागवत भी एक प्रकार से भक्तमाल है। बोले फिर भागवत में भगवान का भी तो चरित्र है। बोले तो भक्तमाल में भी भगवान का चरित्र है। बिना भगवान के चरित्र के भक्त का चरित्र पूरा नहीं होगा, और बिना भक्त के चरित्र के भगवान का चरित्र पूरा नहीं होगा। दोनों का चरित्र मिला हुआ है। अंतर केवल इतना है, जहां पर भक्तों का चरित्र प्रधान हो जाए वो भक्तों का चरित्र कहलाता है, और जहां भगवान का चरित्र प्रधान हो जाए वो भगवान का चरित्र कहलाता है। यथार्थ में भगवान और भक्त दोनों का चरित्र मिला हुआ है। जहां भक्त रहेंगे वहां भगवान रहेंगे, जहां भगवान रहेंगे वहां भक्त रहेंगे। बिना भक्त के भगवान का चरित्र नहीं, और भगवान के चरित्र के बिना किसी भक्त का चरित्र नहीं। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया, मुझे देखो, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा भाई, आप भी भगवान का चिंतन करो, आपका भी कल्याण होगा और आपका भी मन प्रसन्न होगा।
और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। नारद जी ने कहा पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन माजती थी और मैं 5 वर्ष का था। मेरी माँ विधवा थी, मेरे पिता भी नहीं थे। मैं और मेरी माँ दो लोग थे और जिनके घर में मेरी माँ बर्तन माजती थी वो बड़े सज्जन धर्मात्मा। उनके यहां कुछ संत आए और उन संतों की सेवा में मैं भी लगा रहता था और वे संत लोग जब भोजन करके उठ जाते तो उनका बचा हुआ जो प्रसाद होता था सीत प्रसाद उसी का मैं सेवन करता था। नारद जी ने भागवत में कहा है वहां पर कि उन संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरा कलमश दूर हो गया। भक्ति रुचि प्रजायते, भक्ति की रुचि उत्पन्न हो। और फिर संतों ने मुझे अधिकारी देखकर मुझे ध्यान की विधि बताई और उस विधि से मैं ध्यान करने लगा और ध्यान में मुझे भगवान का दर्शन होने लगा। नारद जी ने अपने जीवन के इस उत्कर्ष का वर्णन किया है कि संतों के सीत प्रसाद से हृदय का कलमश कैसे दूर होता है। आज तो इन बातों को कहो तो लोग कहेंगे महाराज इतनी महिमा, अब संतों का जूठा खाएं। अरे भैया संतों का जूठा मत खाओ, जूठा तो ऐसे ही तुम खा रहे हो, सारी दुनिया का जूठा खा ही रहे हो। होटल में खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, बोले जूठा ही तो खा रहे हो। होटल में न बर्तन शुद्ध है न बनाने वाला शुद्ध है, उसी हाथ से वो खाता है फिर काम करता है, उसी हाथ से वो बीड़ी सिगरेट भी पीता रहता है और फिर उसे रख करके वो काम करने लगता है। आप तो सारी दुनिया का जूठा खा रहे हो, मक्खी का जूठा खा रहे हो। जिस भोजन पर मक्खी बैठती है तो मक्खी का जूठा ना, मक्खी का जूठा खाने में तुम्हें लाज नहीं। उन गंदे प्राणियों के हाथ के बने भोजन और उनके हाथ से अशुद्ध किए गए भोजन को खाने में कोई लज्जा नहीं, लेकिन संत का वो उच्छिष्ट खाने की बात कह दी जाए तो बात लगती संत का जूठा कैसे। महाराज संतों का उच्छिष्ट प्रसाद, संतों का जूठा प्रसाद जीवन को पवित्र बना देता है। और नाभादास जी महाराज संतों की सेवा करते सीत प्रसाद ग्रहण करते, सीत प्रसाद के प्रभाव से परिणाम ये हुआ कि नाभादास जी के हृदय में भक्ति का ऐसा विस्तार हुआ, ऐसी प्रीति प्रकट हुई भगवान के चरणों में और संतों के प्रति प्रीति कि नाभादास जी महाराज सिद्ध हो गए, सिद्धि की प्राप्ति हो गई। केवल मंत्रों के जप से ही सिद्धियां नहीं मिलती, भावना और अंतःकरण की शुद्धि से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। एक ही मंत्र को जपते जपते कई लाख की संख्या में जपने के बाद भी लोगों को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, और उसी मंत्र को एक बार पढ़ने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और इष्ट का दर्शन हो जाता है। क्यों, बोले भावना जितनी शुद्ध होगी अंतःकरण जितना शुद्ध होगा। जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है, प्रियादास जी कहते हैं एक बार मंत्र का जप करते ही भगवान का दर्शन हो गया। और ऐसे ही माला जपते जपते माला घिस जाती है, सपने में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। क्यों, बोले अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो एक बार जपना ही पर्याप्त है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार तुम प्रपन्न होकर के मेरी शरण में आकर के कह दो हे प्रभु मैं आपका हूं, बस हो गया काम। रोज रोज की रट की जरूरत नहीं है, एक बार ही पर्याप्त, लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो जाए पूर्ण विश्वास के साथ निर्मलता के साथ। यहां तक लिखा है सच्चे मन से निर्मलता के साथ पूर्ण वैराग्य से युक्त होकर एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, इतने में ही काम बन जाता है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, नाभादास जी के साथ भी है। गुरु जी ने मंत्रोपदेश किया और संतों की सेवा और सीत प्रसाद के सेवन से ऐसी बुद्धि निर्मल भई महाराज कि चमत्कार हो गया, उनकी सिद्धि प्राप्त हो। कैसी सिद्धि,
बोले जो सिद्धि सब कुछ देख लेती है, जान जाती है। आज जिस सिद्धि की चर्चा सारी दुनिया में होती, महाराज भूत बता दो, भविष्य बता दो, क्या होने वाला हम जान जाए, ऐसी सिद्धि हमारी। नाभादास जी को सिद्धि प्राप्त हो गई। हुआ क्या? बोले इनके गुरु जी जो थे अग्रदेवदास जी, वो भगवान की मानसी सेवा करते थे। भगवान की सेवा दो प्रकार की होती, मानसी और वस्तुओं के द्वारा। भगवान को विराजमान करके अनेक प्रकार के पदार्थ, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, इन सारे द्रव्यों को रखकर एक एक वस्तु को समर्पण करके भगवान की सेवा करो। ये तो वस्तु से होने वाली सेवा। और मानसी सेवा, बोले मानसी सेवा में कुछ जरूरत नहीं, भगवान के विग्रह की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले मन में ही ध्यान करो, भगवान हमारे सामने बैठे, अब मैं भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, अब भगवान के चरणों में मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूं, भगवान के लिए सोने का सिंहासन मैंने रखा और उस सोने के सिंहासन में भगवान विराजमान हो रहे हैं, आकाश गंगा का जल ला करके स्वर्ण के कलश में मैं अपने भगवान को स्नान करा रहा हूं, सब भावना में ही करना, मन में ही, आंख बंद करके। और फिर सुंदर दिव्य सोने चांदी के तार से कढ़े हुए, बने हुए, हीरे पन्ने जड़े हुए, ऐसे जड़ाऊं जरी के सुंदर वस्त्र में भगवान को धारण करा रहा हूं, गले में सुंदर हीरे की माला, मोतियों की माला में धारण करा रहा हूं, सब भावना में। 56 प्रकार के भोग, भावना में क्या कमी है, 56 नहीं 556 भोग लगाओ, भावना ही तो करना है, मानसी सेवा। और ये मानसी सेवा जिसकी सिद्ध हो जाती है, उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मन में ही सब कुछ चिंतन करो और सेवा करो। अग्रदेवदास जी महाराज भगवान की मानसी सेवा करते। प्रियादास जी कहते हैं मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब, कर द्वारे नावा मधुर सवार सो। मानसी स्वरूप में लगे सेवा में अग्रदास जी लगे थे और नाभादास जी उनके बगल खड़े शिष्य हैं, तो वो सेवा कर रहे थे। किसकी? बोले गुरु जी की। गुरु जी भगवान की सेवा कर रहे हैं और शिष्य जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। अब गुरु जी की सेवा से दोनों की सेवा हो रही है, भगवान की भी सेवा और गुरु की भी सेवा कर रहे। क्या सेवा कर रहे थे? बोले पंखा कर रहे थे। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब, करत बयार नाबा मधुर समहार सो। धीरे धीरे बयार कर रहे, सेवा भी भाव से हो, इतनी जोर पंखा मत करो कि उनका ध्यान टूट जाए, आंधी जैसे पंखा चलाते रहो, सेवा भी भाव से। इसीलिए कहते हैं बयार नाभा मधुर संभार, सेवा में संभार होनी चाहिए। ऐसी सेवा नहीं महाराज पैर दबाने के लिए कहें तो ऐसा दबाओ कि हड्डियां टूट जाए, ऐसा उल्टा पलटा दबा दो महाराज की पैर का दर्द दूर होने के बजाय कोई नसई चढ़ जाए, ऐसी सेवा नहीं, संभाल कर दे। सेवा का यही स्वरूप होता है। करत बयार नाभा मधुर संहार सो। अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे अग्रदेवदास जी महाराज की, नाभादास जी। उसी समय कोई अग्रदेवदास जी का शिष्य व्यापारी था, वो जहाज में माल भर करके समुद्र में यात्रा कर रहा था, कहीं जा रहा था, लाखों का माल उस जहाज में भरा था। अग्रदेवदास जी का शिष्य था वो व्यापारी, अचानक समुद्र में तूफान आया, जहाज डगमग करने लगे। उस व्यापारी ने सोचा अब तो जहाज डूब जाएगा, हम भी मर जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसे अपने गुरु जी की याद आई, गुरुदेव रक्षा करो,
भगवान की याद नहीं आई, गुरु जी की याद आई। उस शिष्य ने गुरु जी को याद किया, किसको? बोले अग्रदेवदास जी को। अग्रदेवदास जी को पता नहीं चला क्योंकि वो तो मानसी सेवा में थे, लेकिन नाभादास जी को पता चल गया कि मेरे गुरु जी का कोई प्यारा शिष्य किसी तूफान में फंस गया है और रक्षा के लिए गुरु जी को याद कर रहा है, और गुरु जी अगर उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे तो गुरु जी की मानसी सेवा छूट जाएगी। इसलिए गुरु जी की सेवा में बाधा न हो तो ये कार्य मैं ही कर दूं। और नाभादास जी ने क्या किया, बोले जिस पंखे से गुरु जी को हवा कर रहे थे उसी पंखे को घुमा करके एक बार ऐसे हवा कर दिया, उसका जहाज किनारे लग गया। मारे उस पंखे की हवा से ही अपने गुरु भाई की जहाज को किनारे लगा दिया। चढ़ो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मन छूट रूप सार सो। चढ़ो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मन छूट रूप सार सो। समर्थ गयो पोहित बहुत दूरी, आओ चली पूरी फिर डरो ताई धार सो। कहते समर्थ गयो पोहित बहुत दूरी, आओ चली पूरी फिर डरो ताई धार सो। अपने पंखे की हवा से उसके जहाज को किनारे लगा दिया महाराज। जब मानसी सेवा से विरत हुए महाराज, मानसी सेवा उनकी पूरी हुई, यह सिद्धि प्राप्त हो गई अग्रदेवदास जी के शिष्य नाभादास जी। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, केवल भगवान की सेवा और कैंकर्य से सिद्धि प्राप्त हो गई कि वहीं से खड़े खड़े सब कुछ जान लिया और पंखा घुमा करके जहाज को किनारे लगा दिया। अग्रदेवदास जी जब मानसी सेवा से विरत हुए तब उनको भी पता चला कि कोई मेरा शिष्य जहाज में फंस गया था, समुद्र में फंस गया था, और अब वो किनारे लग गया। और फिर अग्रदेवदास जी ने जाना कि मेरे शिष्य ने ही किनारे लगाया, तो पूछा अग्रदेवदास जी ने नाभादास जी से, नाभा ये चमत्कार तेरे अंदर कैसे आया, ये तुमने कैसे जहाज को किनारे लगा दिया? तो नाभादास जी कहते हैं वही जानो पालो सीथ दे दे सुकुमार सु। आपका पाला हुआ ये शिष्य जो संतों की जूठी प्रसाद खा करके जीता रहा, ये संतों के प्रसाद का ही परिणाम, ऐसा कहा। यह चमत्कार देखकर गुरुदेव अग्रदेवदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मेरे शिष्य की ऐसी सिद्धि, ऐसा चमत्कार, अचरज दयो नयो यहां लो प्रवेश भय। बड़ा आश्चर्य हुआ, यहां तक इस शिष्य का प्रवेश हो गया, ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई। अचरज दयो नयो यहां लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संदन प्रभाव को। अचरज दयो नयो यहां लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संदन प्रभाव को। अचरज दयो नयो। अग्रदेवदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे शिष्य का इस साधना में इतना प्रवेश हो गया, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई, ये संतों का प्रभाव है, संतों की सेवा का परिणाम था। तो अग्रदेवदास जी ने आज्ञा दी नाभादास को, बेटा अब मेरी आज्ञा का पालन करो, जिन संतों की कृपा से, जिन संतों के प्रति श्रद्धा के कारण तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई, अब उन संतों के चरित्र का तुम वर्णन करो। आज्ञा दई
आज्ञा तब दईय है भई तो प्रसादो कृपा पुनई को रूप गुण कहो ही भाव को आज्ञा तब दईय है भई तो प्रसादो कृपा पुनई को रूप गुण कहो ही भाव को आज्ञा तब आज्ञा दी कि जिन संतों की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार आया तोपे साधु कृपा भई संत की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। अब तुम उनके स्वरूप का उनके रूप का उनके गुण का गान करो। अग्रदेव जी की आज्ञा हो इसीलिए नाभादास जी मंगलाचरण में कहते हैं श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाओ भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। संतों की महिमा से तुमने संसार सागर में फंसे हुए एक प्राणी के जहाज को किनारे लगा दिया तो निश्चित रूप से संतों का चरित्र संसार सागर से जीव को पार लगाने वाला होगा। इसलिए तुम संतों के चरित्र होगा। अब शिष्य का धर्म देखो नाभादास जी की विनम्रता। दूसरा शिष्य होता हाँ महाराज अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है आप कहते हैं तो मैं संतों का चरित्र गाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी सिद्धि पाने के बाद भी नाभादास जी कहते हैं गुरुदेव संतों के चरित्र को मैं कैसे गा पाऊंगा। भगवान के भक्त विविध प्रकार के होते हैं। बोले कर जोरी आको पावत न ओर छोर संतों के चरित्र का न ओर है न छोर है। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को भक्तों के चरित्र का मैं अंत नहीं पाऊंगा मैं भक्तों के चरित्र को कैसे गा पाऊंगा और सभी भक्तों के चरित्र को मैं जानूंगा कैसे। गुरुदेव ये मेरे बस की बात नहीं। तो अग्रदेवदास जी ने कहा चिंता मत करो जिसने तुमको समुद्र में फंसे हुए जहाज को दिखा दिया और जहाज को किनारे लगाने की बुद्धि दे दी और जिसने वो शक्ति तुम्हें दे दी वही परमात्मा तुम्हें शक्ति देगा और तुम भगवान के भक्तों के चरित्र का गान करोगे। कहीं समझाए कोई हृदय आए करे सब कहीं समझाए कोई हृदय आए करे सब जिन ले दिखाई रही सागर में नाव को जिन ले दिखाई रही सागर में नाव को जिन ले दिखाई रही सागर में नाव को। अग्रदेवदास जी ने कहा नाभा जिसने तुमको समुद्र में नाव दिखा दिया यहां से बैठे बैठे वही तुमको संतों के सारे चरित्र को बताएगा। आए कहें सब कही समझाए वही हृदय आए कहें सब वे भगवान ही तुमको हृदय में सब कुछ अनुभव कराएंगे और तुम भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन करो। गुरुदेव की आज्ञा भई और नाभादास जी गुरुदेव की आज्ञा मान करके भक्तों के चरित्र को लिखने के लिए तैयार हुए और विचार किया भक्तों का चरित्र मेरे हृदय में कैसे प्रकट होगा। बोले भक्त पहले मेरे हृदय में आवे तो भक्तों का चरित्र भी मेरे हृदय में आ जाएगा। भक्तों को हृदय में बुलाने के लिए क्या करें। बोले भक्त जिन भगवान की भक्ति करते हैं पहले उन भगवान को हम अपने हृदय में बुला लें। अगर भगवान मेरे हृदय में आ गए उन भगवान के भक्त भी मेरे हृदय में आ जाएंगे और वे भक्त मेरे हृदय में आएंगे तो उनका चरित्र उनका गुण भी मेरे हृदय में आ जाए। इसलिए पहले मैं भगवान को ही अपने हृदय में बुलाऊं। और श्री नाभादास जी ने भक्तों का चरित्र वर्णन करने के पहले भगवान के 24 अवतार का ध्यान किया। क्यों बोले सब अवतार के भक्त होते हैं कोई नरसिंह का भक्त है कोई वामन का भक्त है कोई राम जी का भक्त है कोई कृष्ण का भक्त है तो पहले ये सब भगवान ही मेरे हृदय में आ जाए और ये भगवान आ गए तो इन भगवान के जितने भक्त हैं वो भी सब मेरे हृदय में
आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहला छप्पे छंद भक्तमाल का जो है, इसमें भगवान के 24 अवतार का ही ध्यान श्री नाभादास जी ने किया। 24 रूप लीला रुचिरी अग्रदास और पद धरो, 24 रूप लीला रुचिरी अग्रदास और पद धरो। जय जय मील बनाह कमट नर हरि बलि बामन, जय जय मील बनाह कमट नर हरि बलि बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हय ग्रीव ध्रुव भर दे धनवंतर, यज्ञ ऋषभ हय ग्रीव ध्रुव भर दे धनवंतर। पत्री पति दत्त कपिल देव करो, अरे बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो, श्री अग्रदास और पद धरो। चौबीस रूप का ध्यान किया और गुरु जी का ध्यान किया, भावना की ये 24 रूप भगवान के मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन। मीन मत्स्यावतार, वराह कमठ कच्छप अवतार, नरहरि नरसिंह अवतार, बलि बामन राजा बलि के द्वार पर बामन भगवान गए, बामन अवतार। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनंतर। हंस अवतार, पृथु अवतार, व्यास अवतार, सारे अवतारों का चिंतन किया। कहते हैं इन सारे अवतारों का चिंतन इसीलिए किया कि जो जिस रूप के भक्त होंगे वो भक्त मेरे हृदय में भगवान के सहित आ जाएं। बोले महाराज भगवान के 24 अवतार में कल्की अवतार, कल्की अवतार तो अभी कलयुग के अंत में होगा, और जब कल्की अवतार कलयुग के अंत में होगा उस समय उनके भक्त होंगे। लेकिन कल्की अवतार का भी ध्यान किया क्यों, तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं प्रियादास जी महाराज अपनी टीका में कि भगवान के जितने अवतार हैं जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं वो सभी अवतार नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि आगे कल की अवतार होगा इसका मतलब कल की भगवान नहीं, कल की भगवान आज भी। भगवान के सभी अवतार नित्य और दिव्य हैं, सब ही हैं नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त। भगवान के सभी अवतार नित्य हैं, आप जिस अवतार का ध्यान करोगे वही अवतार का स्वरूप आपके चित्त में प्रकाशित होगा। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त, जैसे रंग पावे वित्त जोपे जाने सार। और जिस रूप का उपासक जो भक्त होगा वो भक्त मेरे हृदय में आएंगे, उनका चरित्र मुझे अनुभव होगा, मैं उनके चरित्र का वर्णन करूंगा। यह विचार करके 24 अवतार का ध्यान किया। फिर आगे नाभादास जी ने भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान किया। क्यों, बोले जितने भक्त होते हैं सब भगवान के चरणों का ही आश्रय लेते हैं। इसलिए नाभादास जी ने आगे के छप्पे छंद में भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान किया। भगवान के चरण में अनेक प्रकार के दिव्य चिन्ह, अंकुश अंबर कुलिश कमल ध्वजा स्वस्तिक कलश अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनुष, ये सब भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों के चिन्ह हैं। और इसमें अंतर यह है कि भगवान के दाहिने चरण में जो चिन्ह है वो जानकी जी के बाएं चरण में, और जो भगवान के बाएं चरण में चिन्ह है वो जानकी जी के दाहिने चरण में, जुगल सरकार के जुगल चरणारविंद में ये सारे चिन्ह नित्य रूप से विराजमान है।
अभी एक एक चिन्हों का बड़ा बड़ा अर्थ है, अब एक एक की व्याख्या बड़ी लंबी है भक्तों। अंकुश, अंकुश ऐसे टेढ़ा होता है, अंकुश हाथी को वश में करने के लिए होता है। मानो भक्त भगवान के चरण के उस अंकुश चिन्ह का ध्यान करता है और भावना ये है कि हे प्रभु, जैसे अंकुश मत्त गजराज को वश में कर लेता है, उसी प्रकार मेरी मति को, मेरे अभिमान को आप अनुशासित करके अपने वश में कर लो, अपने चरणों में लगा लो। आपका ये अंकुश उस मत्त गज को वश में करने वाला है। अंकुश, कुलिश, कुलिश माने वज्र, जैसे वज्र बड़े बड़े पर्वत को चूर चूर कर देता है, उसी तरह आपके चरण में जो वज्र का चिन्ह है, वह वज्र का चिन्ह हमारे जन्म जन्मांतर के पाप के पर्वत को भी विनष्ट कर देने वाला है। तो भगवान के एक एक चरण चिन्हों का ध्यान करते हुए ये भावना करनी चाहिए, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। नाबादास जी कहते हैं, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। सीतापति रघुनंदन के चरण में ये चिन्ह सदा वास करते हैं, और इन चिन्हों का जो चिंतन करे, उन संतों की, ये भगवान के चरण चिन्ह जो है वो सहायता करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। सीतापति पद, सीतापति पद नित बसत एते मंगल दायका। सीतापति पद नित बसत एते मंगल दायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। भगवान के चरण के जो चिन्ह है, ये संतों की सहायता के लिए। बोले संतों की क्या सहायता? बोले संत को ये भगवान के चरण चिन्ह घर देंगे, मकान देंगे, कपड़ा देंगे, कौन सी सहायता करेंगे? कहते हैं ये सब सहायता नहीं, संतों को असली सहायता ये चाहिए कि उनका मन, उनका चित्त भगवान में लगा रहे, उनके जीवन में विकार न हो, उनके जीवन के दोष दूर हो, यही सहायता संतों को चाहिए। और बाकी तो संतों को सब कुछ मिला हुआ है। प्रियादास जी इस छप्पे छंद की जब टीका लिखते हैं तो कहते हैं, संतनी सहाय काज धारे ने पराज राम चरण सरोजन में संतनी सहाय काज धारे ने पराज राम चरण सरोजन में मन की मतंग मत बारो हाथ आवे नहीं ताके लिए अंकुशल धारो जाई मन ही मतंग मत बारो हाथ आवे नहीं ताके लिए अंकुशल धारो जाई सठता सतावे सीत ताही ते अंबर धरो सठता सतावे सीत ताही ते अंबर धरो हरियो जन सुख ध्यान कीने सुख पाइए पाप पर्वत के पूरी में को भक्ति नीति जोरी में को कंज मन जाई। अब सारी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा, आप स्वयं भक्तमाल की इन पंक्तियों को पढ़ लेना। केवल संकेत, प्रियादास जी कहते हैं, संतन सहाय काज धारे नृपराज राम। संतन की सहायता के लिए ही राजाधिराज रघुनंदन ने अपने चरणों में इन चिन्हों को धारण किया। चरण सरोजन में चिन्ह सुखदायी, किस लिए? बोले मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं। ये मन ही वो मतंग हाथी है जो अपने वश में नहीं होता। तो जिसका मन अपने वश में न हो तो मन में वश करने के लिए क्या करना चाहिए? लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं, कहते महाराज मन स्थिर नहीं होता, मन शांत नहीं रहता, कोई उपाय बताओ। और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न अर्जुन जैसे भक्त का भी। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है महाराज, इसको मैं वश में कैसे करूं?
तो वहां भगवान ने जो उपाय बताया वो उपाय तो अच्छा उपाय है। भगवान ने कहा वैराग अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, बार बार मन को रोकने का अभ्यास करो और संसार से वैराग्य करो। लेकिन वो उपाय उन समर्थ बुद्धिमान लोगों के लिए, लेकिन जो बेचारा सीधा साधा व्यक्ति है जो अभ्यास भी नहीं कर सकता, वैराग्य भी उसका दृढ़ नहीं है, वो अपने मन रूपी मतंग को हाथी को अपने वश में कैसे करे? तो प्रियादास जी कहते हैं भगवान के चरण में जब अपने से काम नहीं बनता तब किसी से सहायता लेनी पड़ती है, और इन्हीं कार्यों की सहायता के लिए ही तो भगवान ने अपने चरणों में इन चिन्हों को धारण कर रखा। सीता पति पत नित बसत एते मंगल दायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा। सखता सता वेसित ताहिते अम्बदार, हरो जन सुख ध्यान कीने सुख पाई, ऐसे ही पुलिस पाप पर्वते को पूरी में को भक्ति निधि जोरी में को कंज मन लाई, ऐसे ही पुलिस पाप पर्वते में पूरी में को भक्ति निधि जोरी में को कंज मन लाई, भक्ति निधि जोरी में को कंज मन लाई, भक्ति निधि जोरी में को कंज मन लाई। प्रियादास जी कहते हैं मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे ने, तो इस मन रूपी मतंग को वश में करने के लिए ताके लिए अंकुश लय धारो ही है ध्याई, भगवान के चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उस चिन्ह का ध्यान करो। मन वश में नहीं होता तो भगवान के चरण में जो अंकुश का चिन्ह बना है उस चिन्ह का चिंतन करो। उस चिन्ह का जब चिंतन करोगे तो भगवान के चरण का अंकुश चिन्ह जो है वो तुम्हारे मन रूपी मतंग को अंकुश करेगा, वश में कर देगा। आगे कहते हैं कि सठता सतावे सीतता ही ते अंबर धर्यो, भगवान के चरण में अंबर का चिन्ह है, अंबर माने वस्त्र पीतांबर। बोले अंबर का चिन्ह क्या करेगा? कहते हैं सठता सतावे सीत, अगर जीवन में तुम्हारे सठता है और सठता की ठंडी तुम्हें लग रही है तो सठता की ठंडी से सीत से बचने के लिए सठता तुम्हारे जीवन से चली जाए, ये सठता वो ठंडी है जो व्यक्ति को कपा देती। बोले सठता की सीत से बचने के लिए ठाकुर जी के चरण में जो अंबर का चिन्ह है उस चिन्ह का ध्यान, सठता की सीत दूर हो जाएगी। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरीवे को, हमारे जीवन में पर्वत का जो वो पाप का जो पर्वत है, ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरीवे को, पाप का जो पर्वत हमारे जीवन में है उसको फोड़ने के लिए भगवान के चरणों में जो कुलिश है वज्र, भगवान के चरण में वज्र का चिन्ह है, उस चिन्ह का चिंतन करो। भगवान के चरण में बना हुआ वज्र का चिन्ह जो है वह चिन्ह हमारे जीवन के पाप के पर्वत को तोड़ देगा, समाप्त कर देगा। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान के चरणों के उस कुलिश का ध्यान कर दे। इसी तरह से भगवान के चरण के एक एक जो चिन्ह है उन सब का भाव है। और फिर भगवान के भक्तों की वंदना करते हुए श्री नाभादास जी ने सतयुग के भक्तों की वंदना की। पहले द्वादश महाभागवत, ये द्वादश महाभागवत कहाँ है? बोले भागवत में जिनका वर्णन है अजामिल के प्रसंग में, अजामिल का जब उद्धार करके भगवान के दूत चले गए और यमराज के दूत लौट करके यमराज के पास आए, क्योंकि भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को भगा दिया। वे दूत जब आए तो यमराज से सब कुछ बताया, तब यमराज ने कहा देखो दूतों, भगवान के भक्ति की महिमा को जानने वाले हम 12 लोग हैं
और हम 12 लोग महाभागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। उन 12 भक्तों का नाम लिया है यमराज ने, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। हम 12 लोग इस भागवत धर्म को जानने वाले भट हैं। उन 12 भक्तों का नाम जमराज के ने अपने दूतों से कहा है, तो उन 12 भक्तों को श्री नाभादास जी ने पहले प्रणाम किया। अजामेल परसंग यह निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। ये 12 भक्त जिनकी चर्चा अजामिल के प्रसंग में आई, ये संकेत करते हैं, ये समझो भक्तमाल भी भागवत कथा ही है। भागवत कथा के सारे प्रसंग कहीं न कहीं छूते हुए चलते हैं। अजामेल परसंग यह निर्णय परम धर्म के जान, अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान, अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान, द्वादश भक्त प्रधान। ये 12 भक्त इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान, इनको प्रणाम किया। और फिर द्वादश भक्त में एक एक भक्त जो हैं, शंकर जी, स्वयंभू नारद शंभू, सबका वर्णन किया प्रियादास जी ने। फिर अजामिल का वर्णन, फिर भगवान के 16 पार्षदों का वर्णन। इस प्रकार से भक्तमाल में 2 भाग हैं, भक्तमाल का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में सतयुग से लेकर द्वापर तक के भक्तों का चर्चा, सतयुग से लेकर द्वापर तक के भक्तों की कथा, और वह भी संक्षिप्त में, क्योंकि सतयुग से लेकर द्वापर तक जितने भक्त हुए उनकी कथा तो पुराणों में भरी पड़ी है, और वो कथाएं पुराणों में विस्तार से प्राप्त होती हैं, इसलिए उन कथाओं का विस्तार नाभादास जी ने नहीं किया। उसको तो हम पुराणों में सुन ही लेते हैं सबकी कथा, चाहे प्रहलाद की कथा हो, ध्रुव जी की कथा। अब कलयुग में जो भक्त हुए पुराण काल के बाद, उन भक्तों का चरित्र बड़े विस्तार से श्री नाभादास जी ने वर्णन किया है, और प्रियादास जी ने अपनी टीका में और विस्तार किया। और कलयुग के जो भक्त हैं उनके उनके वर्णन के प्रसंग में सबसे पहले 4 संप्रदाय का वर्णन किया, जिन 4 संप्रदाय का नाम हमने लिया कि ये 4 संप्रदाय भक्ति मार्ग के मूल संप्रदाय हैं। उन 4 संप्रदाय का वर्णन सर्वप्रथम श्री नाभादास जी ने उत्तरार्ध भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का जब वर्णन करते हैं उस समय किया। त्रेता द्वापर सतयुग के भक्तों का वर्णन तो हम पुराणों में सुन ही लेते हैं, लेकिन कलयुग में जो भगवान के विशेष भक्त हुए, क्योंकि कलयुग में विशेष करके भगवान के भक्तों का अवतार दक्षिण भारत में, भागवत में भी वर्णन है कि दक्षिण भारत में कृतमाला और पयस्वनी नदी, गोदावरी और कावेरी नदी जहाँ पर प्रवाहित होती है, उस नदी का जो जल पीते हैं, उस नदी के तट पर जो रहते हैं, प्रायः भगवान के भक्त होंगे। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, भागवत में कहते हैं कि कलयुग में उस नदी के तट पर रहने वाले लोग नारायण परायण हों, इसीलिए भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में ही माना जाता है। भागवत के महात्म्य में भी लिखा कि भक्ति महारानी कहती, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और फिर धीरे धीरे चल करके उत्तर भारत में आई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता,
क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तो भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ और द्रविड़ देश में ही भक्ति के महान आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में, श्री माध्व मुनि मध्वाचार्य जी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत, श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो हैं वो भी तैलंग्य ब्राह्मण आंध्र प्रदेश में, उनका मतलब उनका मूल जन्म तो उनका चंपारण्य में हुआ लेकिन माता पिता उनके आंध्र के ही थे, और काशी की यात्रा पर जा रहे थे तो चंपारण्य में छत्तीसगढ़ में, वहीं चंपारण्य में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव। तो मूल रूप से भगवान रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये चारों भक्ति मार्ग के आचार्यों का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में, और ज्ञान मार्ग के परमाचार्य भगवान शंकराचार्य का भी प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। श्री नाभादास जी कहते हैं जैसे भगवान ने 24 अवतार धारण किया, 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर व्यूह कलयुग प्रगट। जिस प्रकार भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए 24 अवतार लिया उसी प्रकार चतुर व्यूह के रूप में इन चार आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन चारों आचार्यों ने भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाया। रमा पद्धति रामानुज विष्णु स्वामी त्रिपुराज। रमा पद्धति, रमा माने लक्ष्मी अर्थात श्री, तो श्री पद्धति माने श्री संप्रदाय। इसका प्रवर्तन किसने किया? बोले रामानुज स्वामी। रमा पद्धति रामानुज और विष्णु स्वामी त्रिपुरारी, और रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया। निम्बादित्य सनकादिका, सनकादिक संप्रदाय को आगे बढ़ाया निम्बार्काचार्य जी ने, और मधुकर गुरु मुखचार्य, ब्रह्मा जी का जो मुखचार्य माने चतुर्मुख ब्रह्मा का जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, उसको मधुकर गुरु ने, मधुकर गुरु माने मध्वाचार्य जी महाराज ने उस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। इस प्रकार चार संप्रदाय का वर्णन करते हुए इन संप्रदायों में प्रकट होने वाले अनेक महान भक्तों का चरित्र श्री नाभादास जी ने वर्णन किया है। तो आज बस इतना ही, अब कल जैसी प्रेरणा होगी भगवान के किसी एक भक्त के चरित्र का हम लोग कल वर्णन श्रवण करेंगे। भक्तमाल तो अनंत है हमारा, इतने भक्तों का चरित्र है कि सुनते रहो वर्षों तक, लेकिन इस सत्र में 7 दिन का है, हाँ 9 दिन का, तो 1 दिन तो कल बीत ही गया और आज भी एक बीत ही गया, अब 7 ही बचा है, इसीलिए हम 7 कह रहे हैं। तो सप्त दिवसीय सत्र जो है, इस 7 दिन के सत्र में हम सभी लोग कुछ भक्तों की चर्चा श्रवण करेंगे, जैसी जगन्नाथ जी की प्रेरणा होगी, और जगन्नाथ जी को जिन जिन भक्तों की कथा सुननी होगी वो ऐसी प्रेरणा करेंगे और वही कथा होगी। ना हम करेंगे अपने मन से, ना आप अपने मन से कुछ करेंगे, क्योंकि श्रोता तो जगन्नाथ जी हैं, और जगदीश भगवान जैसी जैसी प्रेरणा करेंगे तत्त्व भक्तों का चरित्र भाव हमें अनुभव होगा और उन चरित्रों का हम लोग आनंद लेंगे। तो आज बस इतना ही, अब ठाकुर जी की आरती और भक्तमाल जी की आरती। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
राम राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली दिव्य दंपति की आरती Thank you.